ओम शांति, ओम शांति। हम सभी मिलकर के एक साथ बोलेंगे ओम शांति। आवाज धीमे धीमे से आ रही है, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड। आज की संध्या प्रभु के नाम की संध्या है। बहुत दिनों से हम YouTube पर शिवानी दीदी को सुनती आ रही है और अनुभव यह कहता है कि बहुतों की जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। यस, किस किस के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आई है? ओ वेरी गुड, आज वो समय आ गया है। कच्छ की भूमि पर प्रथम शिवानी दीदी का आगमन हो चुका है और अब यहाँ गेट के बाहर पहुंच ही रहे हैं और मंच पर पधार ही रहे हैं आदरणीय शिवानी दीदी जी। आप सब इनका वेलकम करने के लिए तैयार है? वेरी गुड। अब जो हॉल में बैठे हैं उन्हें तो खुशी है कि हम सन्मुख में सुनेंगे। कुछ भाई बहने डोम में भी बैठी है। आप चिंता ना कीजिए, शिवानी दीदी जी आपसे भी मिलने जरूर आने वाली है। डोम में बैठे हुए भाई बहने, आपके लिए खुशी के समाचार है कि शिवानी दीदी जी वहां डोम में सबसे मिलेंगे। इसलिए आप खुशी से डोम में बैठकर के भी आज के इस कार्यक्रम को निहारेंगे, इसका आनंद लेंगे, क्योंकि शिवानी दीदी जी ने कहा मैं सब की आश पूरी करूंगी। इतने उत्सुकता से सभी आप पधारे हुए हैं। जीवन में उत्सुकता, उमंग, उत्साह हमारी आयुष्य को बढ़ा देता है। आज के दिन आप सब ये वरदान पाके जाओगे, क्योंकि खुशी और जीवन में मधुरता, उमंग, उत्साह हमारी जीवन में रंग ला देता है। टूटे हुए रिश्ते मधुरता से फिर से जुट जाती है। हम सबको याद है, एक समय था जब इस संसार में जॉइंट फैमिली थी। परिवार का आपस में कितना स्नेह, प्यार था। कोई मेहमान आते थे तो बड़े खुशी से उनकी आगता स्वागत हम करते थे। ऐसे समझते थे मेहमानों का आना माना भगवान का आना। परंतु आज क्या हो गया है? कहाँ गई वो हमारी स्नेह की सरिता? दिनों दिन सूखती जा रही है, संबंधों में दरारें पड़ती जा रही है और कटुता आ रही है। आपस में व्हाट्सएप में बात करते हैं, बाहर पधारे
आ चुके हैं, आपके वेलकम में यह गीत बज रहा है। एक हाथ की ताली से दीदी जी का वेलकम करेंगे। सभी परमात्मा की याद में दीदी जी के वाइब्रेशन को कैच करेंगे। आज की सुवर्ण संध्या एक वो संध्या है जो हमारे जीवन में एक नया उजाला करने वाली है, क्योंकि कच्छ की भूमि पर अनेकानेक संतों का आगमन तो हुआ ही है, परंतु एक स्पिरिचुअल लीडर जो हम सबको परमात्मा से मिलन बनाना सिखाती है, आज ऐसी स्पिरिचुअल लीडर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी का आगमन हम सबके साथ हुआ है। बड़ा हर्ष और खुशी की बात है आज के इस मंच पर हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ में शिवानी दीदी जी के साथ में है ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, आप बॉम्बे से पधारी हैं। इसके साथ इस मंच पर बजाइए तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड। इस मंच पर मैं आह्वान करना चाहूंगी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी जी, आप मुलुंड मुंबई से पधारे हैं, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लाजवंती दीदी जी और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी, आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय गोदावरी दीदी जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं, हम करतल ध्वनि से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ब्रह्मा कुमारी भारती बहन जो यहाँ आदिपुर में अपनी सेवाएं दे रही है, करीब 25 वर्ष हुए यहाँ पर अपनी सेवा देते हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज के इस मंच पर जरूर हम चाहेंगे आदरणीय लाजवंती बहन जी आप पधारे। ये सुवर्ण संध्या का शुभारंभ हम उस सृष्टि नियंता स्वर्णिम दुनिया का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव की याद के साथ करेंगे। 3 मिनट के लिए हम प्रभु स्मृति में बैठेंगे और परमात्मा शिव का यहाँ पर आह्वान करेंगे, अनुभव करेंगे कि वो परम सत्ता हम सबके बीच में पधारी हुई है। चलते हैं प्रभु स्मृति में। प्रभु
सौंप कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर बेह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले तेरे हवाले मैं सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हमने सुना, तुम्हें सौंप कर। क्या सौंपेंगे, कब सौंपेंगे? कहते हैं कि एक परमात्मा के साथ अच्छे संबंध बना लो। जब उनके साथ अच्छे संबंध बना लेंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सबके लिए जरूरत बन जाएंगे। ऐसा परमात्मा की शक्ति हमें आ जाएगी। इसलिए आज हम ये सीखेंगे कि अपना सब कुछ परमात्मा को सौंपेंगे। अब ब्रह्मा कुमारी बहनों का आह्वान है, पुष्पों के द्वारा आदरणीय शिवानी दीदी, आदरणीय गोदावरी दीदी जी, नेहा बहन, भारती बहन सब मंच पर पधारे हुए हमारे विशेष पूज्य का स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी बहने। ओ
हम सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम सत्यम शिवम सभी के स्वागत में पुनः जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। अब इस मंच पर बुलाना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भारती बहन। अब बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का अध्ययन कर रही है। पिछले 35 वर्षों से आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है और बॉम्बे मुलुंड से आकर के यहाँ गांधीधाम में पिछले 25 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रही है और वर्तमान समय आदिपुर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही है ब्रह्मा कुमारी भारती बहन। शब्द सुमन के द्वारा हमारे विशेष अतिथियों का स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी भारती बहन। ओम शांति। आज वह शुभ घड़ियां, शुभ संगम, सुहावना प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष आ चुका, जिसके लिए कहते हैं आखिर वह दिन आया आज। कई सालों से वो इच्छा थी कि गांधीधाम के अंदर शिवानी बहन को बुलाएं और आज वो समय आया। तो ये सब कराने वाला करण करावन हार तो सर्वेश्वर शिव पिता परमात्मा ही है। तो सबसे पहले मैं सर्वेश्वर परमात्मा शिव बाबा, जिसके साथ हमारा सर्व का सर्व संबंध है, जिसके लिए तमेव माताश्च पिताश्च तुमेव, उन शिव पिता ने हम बच्चों को अपना बनाया और एक सुंदर वसुदेव कुटुंब बनाया। संबंधों में मधुरता ऐसी एक विश्व की दुनिया रची थी और फिर से वैसी ही वसुधैव कुटुंब जहाँ सर्व संबंधों में मधुरता ऐसी स्थापन करने के लिए एक साधारण मानव तन प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर अवतरित हुए। तो मैं तहे दिल से कोटि कोटि बार शिव पिता परमात्मा और उनके माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हम सभी इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं, एक कार्यक्रम का नज़ारा देख रहे हैं, इसका श्रेय या प्रेरणा मूर्ति आदरणीय हमारी राजयोगिनी तपस्वी मूर्त गोदावरी दीदी जी हैं, जो मुलुंड सब जोन की मुख्य संचालिका हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत सच्चे मन से, खुले हृदय से
स्वागत करती हूँ। और आज हम सभी उसी तमन्ना से और उसी एक उमंग उत्साह से यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनकी वाणी में मधुरता है, स्वभाव में सरलता है, दिव्यता है, एक चेहरे पर अलौकिकता है, और बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में उस शिव पिता परमात्मा से मिलाने की एक जो झरिया बनी है, वो हमारी सब की इस समय वर्तमान समय सारे विश्व के हृदय में मन में एक छाप बनाई है, अमिट छाप। वैसी हमारी आदरणीय शिवानी बहन जी का भी मैं बहुत बहुत खुले दिल से सच्चे हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ये प्रोग्राम के लिए हमें बहुत बहुत एक साथ सहयोग या इस कार्य को साकार करने के लिए जो निमित्त बनी है, वो हमारी मुंबई गामदेवी सेंटर से पधारी हुई नेहा बहन, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहो या अभिनंदन कहो या स्वागत कहो, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में मुलुंड के सबजोन के अंतर्गत भांडुप सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी तपस्वी मुहूर्त ब्रह्मा कुमारी लाजवंती बहन भी हमारे बीच में बैठी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंच तो सुशोभित हो गया, लेकिन साथ साथ सभा के अंदर जो हमारे अतिथि ग्रहण, जो गांधीधाम के गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं और सारे भाई बहन पधारे हैं और इस सभा को बहुत सुंदर सजाया है, तो सभी भाई बहनों का, गांधीधाम निवासियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। आदरणीय हमारी गांधीधाम लीलाशाह नगर सेंटर की उर्मिला दीदी जी भी पधारे हैं, हम चाहेंगे दीदी आप मंच पर आएं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और विशेष आज के इस कार्यक्रम में हमें मीडिया पार्टनर कच्छ मित्र जो न्यूज़पेपर हैं वो मीडिया पार्टनर बने हैं, वे भी आए हैं और कोई मीडिया वाले भी पधारे हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद भारती बहन, हम सबका स्वागत करने वाली भारती बहन आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारतीय संस्कृति कितनी मधुर है, स्वागत में हम सबको बड़ी खुशी होती है। और आज कच्छ की भूमि पर पहली बार हम सबके बीच में आदरणीय शिवानी दीदी जी पधारी है, तो विशेष कच्छ की ओर से हम सबके बीच में आदरणीय श्रीमती नीमा बहन आचार्य पधारेंगे। आप एक्स स्पीकर गुजरात विधानसभा से हैं, नीमा बहन कच्छ की भूमि की ओर से हम सबका स्वागत करेंगे, आदरणीय नीमा बहन। स्वागत करने में किसको खुशी नहीं होती है, और कच्छ की भूमि तो विशेष भूमि है। कच्छ के भाई बहनों के अंदर का वो उमंग उत्साह नजर आ रहा है, जो बड़े दिल से उमंग के साथ सबका स्वागत कर रहे हैं। आइए नीमा बहन जी, आपका स्वागत। Thank you.
आदरणीय नीमा बहन जी गुलदस्ते के द्वारा शिवानी दीदी का स्वागत करते हैं। हम सब सहयोग देंगे तालियों से। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि हम सबकी प्यारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी का भी पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। अब हम जरूर चाहेंगे इतना सुंदर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार और प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है, यह संस्था क्या है और क्या कर रही है? राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीहा बहन से अनुरोध है, आप संक्षिप्त में संस्था का परिचय देंगी। बचपन से ही एक आध्यात्मिक परिवार के साथ आप इस ज्ञान और योग का अभ्यास कर रही है। 38 वर्षों से आपने अपना संपूर्ण जीवन, समय, स्वास्थ्य, संकल्प सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। वर्तमान समय बॉम्बे में गामदेवी सेवा केंद्र पर आप सेवाएं दे रही है। गामदेवी सब चुन की आप संचालिका है ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन। शांति। आज बहुत खुशी का मौका है कि हम सब इतनी संख्या में आदरणीय शिवानी बेन जी की उपस्थिति में यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में 140 जितने देशों में अपने 8000 सेवा केंद्रों को लेकर विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई। उसके बाद ये विश्वविद्यालय 1950 में माउंट आबू राजस्थान में आया, जहाँ पर इस विद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं के पिता है, जो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा हमें ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा पिता का ये दिव्य संदेश विश्व की हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए ये विद्यालय अलग अलग वर्गों तक इस संदेश को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्मों के भेदभाव को छोड़कर यहाँ पर आकर स्वयं की सही पहचान प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं, बच्चे मुझे पहचानो। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और वो परमात्मा पिता स्वयं आकर खुद का भी परिचय देते हैं और हमें स्वयं की भी सही पहचान दे रहे हैं। तो घर संसार में व्यवहार में रहते हुए जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त किया जाए? हमारा जीवन दुख, अशांति, चुनौतियों के बीच में भी रहते हुए एक कमल पुष्प समान
न्यारा प्यारा सुख शांति संपन्न कैसे बनाया जाए इसकी शिक्षा दी जाती है। आज हमारे बीच में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी आदरणीय राजयोगिनी शिवानी बेन जी है, जिन्होंने अपने जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को उतार कर स्वयं के जीवन को इतना महान बना कर के अनेकों के जीवन में ये दिव्य ज्ञान का प्रकाश आप फैला रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के इसी लक्ष्य को लेकर हर शहरों में गांवों में सेवा केंद्र खोले जाते हैं, जहां पर बहनें और भाई मिलकर के परमात्मा का ये दिव्य संदेश फैलाने का कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन के साथ भी मिलकर के विश्व शांति के कई सारे कार्यक्रम करता है। तो आज हमें बहुत खुशी है कि कच्छ की भूमि पर इतनी संख्या में आप सभी उपस्थित हुए हैं। ज़्यादा समय न लेकर के अब हम उस आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य अनुभूति करेंगे और हमारे पिता परमात्मा के साथ उस दिव्य अनुभूति भी ज़रूर करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय नेहा बहन जी। ब्रह्मा कुमारी संस्था से आपने अवगत कराया, न केवल अवगत कराया परंतु हम सभी इस संस्था से मन से तो जुड़ ही गए। यस और नो? यस। अब आगे और स्टेप बढ़ेंगे। अब हम सभी आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रागट्य करेंगे और उसके लिए कुछ नाम अनाउंस करती हूँ। वह मंच पर आएंगी और दीप प्रागट्य होगा। श्री एस के मेहता आईएफएस चेयरमैन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट गांधीधाम, श्रीमती मालती बेन महेश्वरी जी एमएलए गांधीधाम, श्री तेजस पी सेठ नगर पालिका प्रमुख गांधीधाम, श्री महेंद्र बगाड़िया एसपी ईस्ट कच्छ गांधीधाम, श्री सुरेश भाई नेलानी एसआरसी सीनियर डायरेक्टर गांधीधाम, श्री मेहुल देसाई जीएस डेप्यूटी कलेक्टर अंशार, अजीम शेख कच्छ मित्र मंडल, उदय भाई अंटानी कच्छ मित्र मंडल, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य एक्स स्पीकर ऑफ गुजरात विधानसभा, मिस्टर आशीष धनिया एआरएम वेस्टर्न रेलवे गांधीधाम, महंत श्री त्रिकम दास जी महाराज, महंत श्री सच्चिदानंद मंदिर अंजार, महंत श्री प्रकाशानंद जी महंत पंचमुखी हनुमान टेंपल आदिपुर, जिनके भी नाम अनाउंस हुए थे। आप मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे और बाकी सभी, आप सबके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगे। सभी अपने अपने मोबाइल्स निकालेंगे और टॉर्च जलाएंगे। परिवर्तन पीछे मुड़कर देखिए जरा, कितना सुंदर सीन दिखाई दे रहा है। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
जो भी मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए पधारे हुए हैं, आप ईश्वर के घर की गिफ्ट सौगात स्वीकार जरूर करेंगे। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। हमारे विशेष अतिथि दीप प्रागट्य के बाद आदरणीय शिवानी दीदी जी और गोदावरी दीदी जी के द्वारा परमात्मा शिव की याद सौगात स्वीकार कर रही है। मूल्यों की माला स्वीकार कीजिए, मूल्यों की माला हम सब कर्तन मुनि का सहयोग जरूर दें। प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। जीवन का निराला श्रृंगार कीजिए, जीवन का निराला श्रृंगार कीजिए। अपने घर का प्यारा सत्कार लीजिए, अपने घर का प्यारा सत्कार लीजिए। एकता के धागे में प्रभु ने पुष्प पिरोए हैं, सत्यता शुचि शांति में सारे सुमन सजोए हैं। चंदा जैसे हाला का हार लीजिए, चंदा जैसे हाला का हार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। हम सभी ने अपनी आत्मा का दीप जगाकर अंदर में उजाला कर दिया है। यह दीप केवल स्टेज पर ही नहीं जगी है, परंतु आत्मा के हृदय में यह दीप जगा है। और यह दीप की जो लौ है वह परमात्मा शिवता के साथ जुड़ गई है। आप सबको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो भाई बहने डोम में बैठी है शायद सोचते होंगे कि हमसे शिवानी दीदी जी मिलेंगे या नहीं। जरूर यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात शिवानी दीदी जी डोम में आएंगे और आप सभी से मिलने वाली हैं। अब आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए मैं आह्वान करती हूँ आदरणीय राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी जी। आप पिछले 60 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का अध्ययन कर रही हैं। आपका वो सौभाग्य रहा है जो इस संस्था के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की पालना आपने प्राप्त की है। 1961 से ही आपने यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। 63 में आपने किताब लिखा भारत का भगवान। इसके बाद 1971 में सर्वप्रथम आपने कच्छ में अपनी सेवाएं दी है
और उसके पश्चात आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी जो सबसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही है, आपको बॉम्बे मुलुंड में भेजा और तब से लेकर के आप मुंबई मुलुंड में अपनी सेवाएं दे रही है। मुलुंड के आसपास में आपने 31 सेवा केंद्र स्थापित किए और बहुत सुचारू रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। अपने सेवाओं के रिटर्न में आपको ठाणे गौरव पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कच्छ क्षत्रिय समाज के द्वारा भी आपको अवार्ड प्राप्त है। रायगढ़ जिले से भी आपको प्राप्त है और हाल ही में आपको डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया है। दीदी जी का शौक है हर वर्ष नए नए प्रकार की राखियां बनाना। एक बहुत बड़ी राखी बनाई थी जिसका रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इसके साथ बजाइए अभिनंदन दीजिए। एक बहुत बड़ी किताब बनाई थी 28x18 की, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा की बायोग्राफी, इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आदरणीय दीदी जी देश विदेश में अपने ज्ञान अमृत का पान बांटते हुए अनेक आत्माओं का मिलन परमात्मा शिव से कराया है और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति और ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कराई है। तो आइए हम भी आज वो अनुभूति करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी जी, ओम शांति, ओम शांति। आवाज नहीं आई बरबर। ओम शांति। आज तो लगता है कि परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी दुआएं कहे या आशीर्वाद कहे या उनका ही संकेत कहे, आज हमारा बहुत बहुत सालों के बाद संकल्प पूरा हुआ कच्छ के लिए कि एक बार हमको यहाँ शिवानी दीदी जी को जरूर बुलाना है। वो आप सभी के सम्मुख आए हुए हैं, उनके लिए हम सभी करतर धोनी से आपका बहुत 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 कच्छ की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आखिर हमारा वह दिन आया आज जो परमात्मा ने हमारे भी आशाएँ पूर्ण किया, क्योंकि हमको लगता है कि कच्छ की तरफ देवी देवताओं की बहुत ही यादगार है, उसमें भी नवरात्रि खास, और उसमें नवरात्रि में भी आशा पूरा माह। और अभी हम जब कल यहाँ से निकले मुंबई से, तभी देखा तो हाउसफुल ट्रेन थी। हमने कहा अरे अभी तो कोई है नहीं खास प्रोग्राम, फिर जब ही अंदर बैठे तो मालूम पड़ा कि सभी माँ की चौकी के लिए जा रहे हैं वहाँ आशापुरा माँ के पास। तो कहने का भाव यही है कि देखो ये सभी जो देवी देवताएं होकर के गए हैं तो वो सभी पहले तो यहीं आए होंगे इस दृष्टि पर, और फिर उन्होंने जीवन के अंदर जो इतनी महान प्रेरणाएं पाई, नैतिक मूल्यों को धारण किया, श्रेष्ठ बने, कोई भी ये श्रेष्ठ कर्म के बिना श्रेष्ठ भाग्य किसी का बन नहीं सकता है। तो इतनी ऊंची देवी देवताओं की ये भूमि है, इस भूमि पर बहुत सारे देवताएं पहले भी थे, अभी भी बनेंगे और आगे भी होंगे। तो आज हमारे बीच में जो शिवानी दीदी आई है उनका तो हम सुनेंगे ही, लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि आज की सब्जेक्ट बहुत अच्छी रखी है कि संबंधों में मधुरता चाहिए ही, क्योंकि संबंधों में मधुरता हट करके कटुता कभी आती है कि जब ही आपसी में एक दो में वहम करते हैं, कभी आपसी में आप कोई ना कोई बात के लिए शक बढ़ जाता है, शक का शिकार बन जाते हैं, तो नेचुरली है फिर मधुरता हट जाती है, कटुता आ जाती है। तो आज से आप सभी जो यहाँ आए हुए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, ये सब्जेक्ट के ऊपर हमें हमारी आदरणीय जो शिवानी दीदी जी आई है बहुत अच्छा समझाएगी सुनाएगी।
इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी बहुत ही लकी आत्माएं हो। अरे आप अपने लिए तो ताली बजाओ कम से कम, कितने भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो। और आज तो कुछ न कुछ प्रण करके ही जाना और कुछ कुछ अंदर की जो बुराइयां वो छोड़ के जाना यहाँ, और अच्छाइयों को लेके जाना। आपको भी यही निश्चय करके ही जाने का है कि हमें ऐसा मधुर व्यवहार, मानक श्री कृष्ण की जो महिमा है, मधुरम मधुरम मधुर आदि पद्य, हम खुद भी गाते थे बचपन में बहुत ही स्तोत्र, कि कृष्ण का हर बोल चाल हाल सभी मधुर ही मधुर था। कैसे मधुर था वो आज आपको मालूम पड़ेगा। आप भी अपने जीवन में ऐसी मधुरता लेके जाओ जो आपके जीवन एकदम ही धन्य धन्य बन जाए, मानव से देवता बन जाओ, ऐसा संकल्प करके जाना। यही हमारे अंदर की आस है, अभिलाष है। और आप सभी कच्छ के निवासियों के लिए बार बार मैं यही कहेंगी कि परमात्मा निराकर शिव जिसको हम याद करते थे, तुम्हें माताश्च पिता बंधु सखा विद्या, वो स्वयं भगवान अभी सृष्टि पर आ चुके हैं और हमको उसने बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करवाए। तो हम बहुत छोटी एज में ही परमात्मा पिता के बन गए और बन करके उसी वो दिन आज की घड़ी अभी तक भी हम उसके ही बन करके रहे हैं और वही हमारे द्वारा ये कार्य सभी करवाते रहते हैं। आज हमको एक बात की ये भी खुश हुई कि हमारी उर्मिला दीदी जी, जिसके द्वारा हमने बहुत ही ज्ञान भी सुना था स्टार्टिंग में और बहुत ही अच्छा इन्होंने भी हमको तैयार किया था, आज उसका भी हम बहुत 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 दिल व जान सिखो प्रेम से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और एक ही ख्वाहिश थी कि यहाँ सभी जगह बाबा के घर तो खुले हुए हैं, परंतु अभी कच्छ अंजार में भी खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमारे बाबू भाई पूरे कच्छ के लिए निमित्त बनता है हमेशा, वैसे हमारे मोती भाई भी है, वो भी माना अभी 15 तारीख मॉर्निंग में वहाँ 9 बजे उद्घाटन का रखा है कच्छ अंजार में सेवा केंद्र खोलने का। आप सभी को एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि ये सभी करण करावन हर जानी जानन हर स्वयं परमात्मा शिव निराकर है, हम सिर्फ निमित्त निमित्त बन के काम करते हैं, बाकी कराने वाला सभी बाबा ही है। हम तो ये कहते हैं शिव बाबा कहते हैं माना पिता, वही पिता ही हमको आगे बढ़ाता जा रहा है, कार्य करवा रहा है और वही करा रहा है। तो ये सभी देन उसकी है और उसकी देन से हम सभी ये कार्य आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक तो खुशखबरी मिली परमात्मा ने की, और दूसरी खुशखबरी का संजार में अभी सेवा केंद्र नया खुल रहा है, मोती भाई के वही निमित्त बन करके खोल रहा है, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत ही अभी से ही अभिनंदन देंगे कि आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना आपके मन में प्रेरणा आई है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी अभी शिवानी दीदी का ही सुनेंगे, यही चाहें। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने हमें ये शुभ प्रेरणा दी कि श्रेष्ठ कर्म ही हमारे जीवन का श्रृंगार है और उसी से हमारी जीवन महान बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। डॉक्टर तेजस पुजारा आप आएंगे और आदरणीय शिवानी दीदी जी का परिचय देंगे। डॉक्टर तेजस पुजारा मैनेजमेंट में ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है विथ स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस, बीई आपने पास किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, आप वर्तमान समय ऐसे प्रोफेसर तोलानी मोटवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में अपनी सेवाएं दे रही है, आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स सबमिट किए हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट में अपने लेक्चर्स देते हैं और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप अपने वेरियस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आपको समाज सेवा के अंदर बहुत खुशी है,
मानव के अंदर में किस तरह से उनको हम हेल्प करें और समाज के उत्थान में हम आगे आए। ऐसे बहुत सारी समाज सेवा, एजुकेशन फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप आएंगे और आदरणीय शिवानी दीदी जी का परिचय देंगे, प्रोफेसर डॉक्टर तेजस पुजारा जी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी का कच्छ में आदर सत्कार वंदन एवं अभिनंदन है। इस सभागृह में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। जीवन में वैसे तो आनंद के बहुत सारे क्षण आते हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमारे मानस पटल पे एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज की क्षण भी ऐसे ही है। मनुष्यों ने एक शब्द प्रयोग किया है, सत्चित आनंद। आज शिवानी दीदी के सानिध्य में हमें उसी आनंद की अनुभूति हो रही है। इस सभागृह को दीदी से परिचित करवाने का दायित्व आज मिला है। वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस सभागृह में जो दीदी से परिचित नहीं हो। असंभव सा काम है। सूर्य के दर्शन के लिए दिया प्रज्वलित करने जैसा काम है, और ये एक दायित्व देने के लिए हमारे मार्गदर्शक अग्रवाल जी और ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दो दिन पहले 10वीं अक्टूबर थी, और 10वीं अक्टूबर का दिवस पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों से आधुनिक विज्ञान और विश्व ने यह स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य फक्त स्तन का नहीं होता, लेकिन ये बात हमारे सदियों पूर्व हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने कहा था। जब उन्होंने स्वास्थ्य की व्याख्या दी तो तन और मन दोनों की बातें की थी। आज एक अभ्यास हुआ है, उसमें पता चला है कि विश्व में जो हर 5 मनुष्य है उसमें से 1 मनुष्य मानसिक अस्वस्थता का शिकार है। और एक भयजनक बात यह भी है कि ये अस्वस्थता युवाओं में तेजी से बढ़ती जा रही है। तो कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए। आयुर्वेद में उसका उपाय बताया है। हमारे आचार्यों ने कहा कि मानसिक स्वस्थता के लिए एक ही काम हो सकता है, वह है मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान और खुद की समझ, स्व की समझ। और इसी विषय में ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मार्ग को नाम दिया है राजयोग मेडिटेशन। आज हमारे बीच जो उपस्थित है शिवानी दीदी जी, वो इस मार्ग की तपस्या सन 1996 से कर रही है। आज भी इस तपस्या में लीन है, और इस तपस्या के स्वरूप दीदी जी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। करोड़ों लोगों ने उनसे मानसिक स्वस्थ का बल प्राप्त किया है। आप सब लोगों ने वो कार्यक्रम देखा होगा जिसकी चर्चा ये कार्यक्रम शुरू हुए उससे पहले जो वीडियो दिखाया गया था उसमें थी, अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी। 2007 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और इस कार्यक्रम में शिवानी दीदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज उसके 2000 से ज़्यादा एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं।
और इस कार्यक्रम से जो लाभान्वित हुए हैं उनकी संख्या गिनना मुश्किल है। और जिन लोगों ने भी राजयोग का लाभ लिया, इस कार्यक्रम का लाभ लिया, कुछ लोगों ने अपने अनुभव उस वीडियो में भी बताए थे, तो उनका कहना है कि इन कार्यक्रम से उनको अपनी मानसिक स्वस्थता प्राप्त करने में लाभ हुआ, संबंधों में एक नयापन आया, जो डिप्रेशन, मानसिक तनाव से जो ग्रसित लोग थे उनको इस कार्यक्रम से एक नवजीवन की प्राप्ति हुई। शिवानी दीदी का ये जो कार्य है मानव चेतना को जागृत करके मनुष्य में मैं कौन हूं उसकी समझ लाना, उसका समाज ने स्वीकार किया, उसका महत्व समझा और दीदी को भारत का सबसे बड़ा नारी पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया। जैसे रामनाथ कोविंद जी ने बताया था वीडियो में, 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा दीदी को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, उद्योग विश्व को भी लगा कि उनके जो कर्मचारी है, जो कर्मयोगी है, उनकी जो कार्यक्षमता है वो सिर्फ तन के स्वास्थ्य पर नहीं पर मन के स्वास्थ्य पर भी उतनी ही निर्भर है। तो उद्योग जगत ने भी दीदी के कार्य को सराहा और एसोचैम ने 2014 में सिद्धि प्राप्त करने वाली महिला के स्वरूप में दीदी जी का सम्मान किया। बहुत बड़ी बात है। और जब मैं दीदी जी के बारे में पढ़ रहा था तो एक जो हम सब भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है कि जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो मन के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनका 123 देशों का एक संगठन है, वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन, और उन्होंने भारतीय ज्ञान को, भारतीय के पद्धति को स्वीकार करते हुए, दीदी जी के योगदान को स्वीकार करते हुए 2017 से उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप कल्पना कीजिए, 123 देश और वो सारे पाश्चात्य विज्ञान को मानने वाले, वो भारतीय प्रणाली का सम्मान करते हैं और एक भारतीय के लिए उससे गर्व की बात क्या हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, कच्छ के लिए गौरव की बात है और हम सबका सौभाग्य है कि आज दीदी से हमको प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान का लाभ मिलेगा। आइए हम सब पुनः दीदी का करकल ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद तेजस भाई, बहुत सुंदर और विस्तारपूर्ण आपने शिवानी दीदी जी का परिचय दिया। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय नीमा बहन आचार्य, जो आप एक्स विधानसभा मेंबर है। आपके दिल में उमंग है कि हमारे कच्छ में शिवानी दीदी जी आई और हम अपने शब्द सुमन से इनका स्वागत ना करें या कैसे हो सकता है, तो इसलिए नीमा बेन आचार्य आदरणीय शिवानी दीदी जी का स्वागत अपने शब्द सुमन से करेंगे। नीमा बहन जी, ओम शांति। सब एक साथ ओम शांति बोलिए। अभी गोदावरी जी बोल रही थी ना यहाँ सबको, ओम शांति। थैंक यू। आज हमारे कच्छ में और वो भी गांधीधाम के इस पवित्र भूमि पे
कि जहाँ पे आदिपुर में गांधी जी के अस्थि यहाँ लाए हुए हैं, उनकी समाधि है यहाँ पे, ऐसी ये पवित्र भूमि है गांधीधाम। और यहाँ पे आज नारी शक्ति का अवॉर्ड से सम्मानित ऐसी प्रिय, मधुर और सरल ऐसी शिवानी दीदी के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, उनकी शक्ति को मैं वंदन करती हूँ। और गांधीधाम में मतलब जैसे पूरे कच्छ में, और कच्छ मित्र जैसे मीडिया पार्टनर के साथ में जब एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि कच्छ मित्र लोगों को इतना विश्वास है उसमें कि उसमें आई हुई हर बात लोगों को सुनते हैं और मानते भी हैं। और मैं बोलती हूँ कि कच्छ मित्र एक गीता की तरह लोग पढ़ते हैं उसको, इतना विश्वास लोगों को उसमें है। तो ऐसे कच्छ मित्र मीडिया पार्टनर ने आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। और ख़ास करके यहाँ ब्रह्मा कुमारी जी का जो संगठन है, जो संयोजक है, वो भी आदिपुर में है, प्रज्ञा जी, और पूरे नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, पर भारती जी भी है। और बहुत ही अच्छे से उनका कार्यक्रम होता है, और सबसे अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमारे यहाँ माउंट आबू में भी होता है। तो डीके अग्रवाल जी और उनकी वाइफ बरसों से, मैं ऐसे समझती हूँ कि यहाँ के ब्रह्मा कुमारी के पायोनियर है, ऐसा बोलूँ तो भी कोई बांधा ने इतना प्रचार प्रसार और हर चीज़ में वो ब्रह्मा कुमारी में सबसे आगे रहते हैं। तो उनको भी मैं अभिनंदन देती हूँ, उनके पूरे ग्रुप को, कि आज हमको यहाँ शिवानी दीदी को प्रत्यक्ष सुनने को मिलेगा। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ, डरना नहीं, स्पीकर होते हैं ना उनको सुनना ही होता है, बोलने का होता ही नहीं है। तो आप सबको, आप सबकी ओर से मैं शिवानी दीदी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और अपने अहोभाग्य है कि आज हमें इनका यहाँ प्रत्यक्ष उनकी बात सुनने को मिलेगी। और मुझे मेरी बाजू में बैठी हुई मीता है, वो मुझे बता रही थी कि आपके पर उनकी दृष्टि भी पड़ेगी ना, तो इतने अच्छे पॉजिटिव ओरा आते हैं उनकी दृष्टि में भी। और जैसे आप देखिए कि आज का जो टॉपिक है संबंधों में मधुरता, मैंने कई टॉपिक उनके YouTube में पढ़े हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब उनके YouTube में जितने लेक्चर्स हैं ना, वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें से आपको बहुत शांति मिलेगी। और फिर से एक भी व्यक्ति उनकी पूरी स्पीच सुन के बाद में ही जाएगी, ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मैं आप सबको रिक्वेस्ट भी करती हूँ। और मैं तहे दिल से शिवानी दीदी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय नीमा बहन जी। एक तो अनाउंसमेंट है, कार्यक्रम के पश्चात गेट पर सबको प्रसाद लेना होगा। दूसरा, दिनांक 17, 18 और 19 मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 3 दिन के लिए त्रिदिवसीय राजयोग शिविर रहेगी गांधीधाम और आदिपुर सेंटर पर, जिसका समय है 7-8 और 7-8। अब जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ पहुंची है। अब हम सुनेंगे आदरणीय शिवानी दीदी जी से, आपका विषय है संबंधों में मधुरता। आदरणीय शिवानी दीदी जी। ओम शांति। हम सभी सीधा होकर बैठेंगे, और सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। जो दरवाजे के पास खड़े हैं वो इधर आकर बैठ सकते हैं, दरवाजे के पास कभी खड़े नहीं होना, एग्जिट को ब्लॉक नहीं करना कोई भी।
जो घरे हैं वो यहाँ आकर बैठ जाए नीचे, एग्जिट को ब्लॉक नहीं रखना, सभी सेवाधारी भी बैठ जाए। अपने ध्यान को यहाँ लेकर आए ब्रिकुटी के बीच, मुझ आत्मा का रहने का स्थान जहाँ हम तिलक लगाते हैं। धीरे करें म्यूजिक। It's 6:41 p.m. To hear your notifications. बॉडी को रिलैक्स करें, शरीर को, और यहाँ पर विजुअलाइज करें एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्यार मेरा संस्कार है। मुझे किसी से प्यार चाहिए नहीं, सबको प्यार देने वाली, प्यार के सागर परमात्मा की संतान। क्षमा के सागर परमात्मा का मैं बच्चा। दुख हरता सुख करता परमात्मा का मैं बच्चा। उन्हीं की तरह जैसे मेरा पिता वैसे मैं आत्मा बच्चा। उन्हीं की तरह प्यार से भरपूर सबको प्यार देने वाली, चाहे कोई कुछ भी करे सबको क्षमा करने वाली, और खुद की शक्तिशाली स्थिति से दूसरों को भी दुख से सुख में परिवर्तन करने वाली मैं। प्रेम स्वरूप आत्मा परमात्मा का फरिश्ता। देखिए अपने आप को अपने परिवार के बीच। हर एक अलग है, परिवार एक है, लेकिन संस्कार अलग है। उन सब के बीच मैं, हर एक के संस्कार के साथ एडजस्ट करने वाली, हर एक के संस्कार के साथ स्वभाव के साथ प्यार से संस्कार मिलाकर चलने वाली, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति।
इन्हीं संकल्पों को अगर हम रोज एक बार दोहरा लें, क्या संकल्प था? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ अर्थात प्यार मेरा संस्कार है। आज तक हम समझते आए कि प्यार हमें दूसरों से चाहिए होता है। किस किस को प्यार चाहिए, हाथ उठाइए जरा। प्यार चाहिए और किस किस को सम्मान भी चाहिए, अच्छा वो भी चाहिए। ओके, अब अपने आप से पूछे मुझे किससे चाहिए, और जिनसे चाहिए शायद वो भी इसी हॉल में बैठे हैं और उन्होंने भी अभी अभी हाथ उठाया है कि मुझे भी प्यार चाहिए। तो अगर दोनों को चाहिए होगा तो क्या लगता है मिलना कहाँ से है, मिलना कहाँ से है? हमने कभी सोचा नहीं। हम इस बात को बार बार इसी तरह दोहराते रहते हैं। कम से कम जो आगे बैठे हैं, आपको स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आदत सी पड़ गई है हमें स्क्रीन की तरफ देखने की। स्क्रीन की तरफ देखना आँखों के लिए, मन के लिए, ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करो। स्क्रीन ही हमारी रिश्तों के बीच में भी एक बाधा बन चुका है, क्योंकि हम सबके साथ बैठकर भी फ़ोन के साथ ही बैठे होते हैं। एक दूसरे के साथ बात करने की बजाय किसी स्ट्रेंजर के साथ हम फ़ोन पर मैसेज कर रहे होते हैं, तो वो एक एडिक्शन बन चुकी है। सामने बैठकर भी आंखें स्क्रीन की तरफ ही चली जाती हैं, आदत से पड़ चुकी है। लेकिन इस आदत को हमें क्या करना होगा? तो वो आदत से मजबूर आपकी आंखें फिर उस तरफ जाएंगी, फिर आत्मा मालिक बनकर उसको वापस सामने लेकर आया करें। एक दो बार करेंगे तो मन कहना मानना शुरू कर देगा। हाँ, तो हमें प्यार चाहिए, जिनसे हमें चाहिए उनको भी चाहिए। तो अगर दोनों जने ऐसे खड़े होने वाले हैं कि प्यार चाहिए, और जिनके सामने खड़े हैं वो भी ऐसे खड़े हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? दोनों ऐसे खड़े हैं और फिर मांगने पर भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? मांगने पर भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? रिश्तों में क्या होगा? फिर हम एक दूसरे को कहते फिर मैं आई क्यों इस रिश्ते में, मुझे जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। सामने वाले ने कहा मुझे कहाँ मिला, क्योंकि दोनों गए किस लिए थे रिश्ते में ऐसे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम रिश्ते में गए थे ऐसे। हमें रिश्ते में कैसे जाना चाहिए था? अब आप हाथ करो। हमें रिश्ते में कैसे जाना चाहिए था? ऐसे। कौन सा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग कौन सी आती है, ऐसे या ऐसे? कौन सी फीलिंग अच्छी है? अच्छा लगता है ऐसे लोगों के सामने खड़े हैं, मुझसे प्यार से बात करो, ऐसे ही तो खड़े हैं। मुझे फ़ोन नहीं किया आपने, मैंने आज इतना अच्छा काम किया आपने बोला नहीं मैं अच्छी हूँ, मैंने नई ड्रेस पहनी आपने बोला नहीं मेरी ड्रेस अच्छी है। कैसे खड़े हैं सारा दिन सामने, फिर सामने वाला भी थक जाता है और कभी कभी आके कटोरे में थोड़ा सा, भाई बहुत अच्छा किया ये लो। और कभी कभी जब उनका मूड खराब होता है तो हमारे कटोरे में जो थोड़ा सा पड़ा था उसको भी उठा के ले जाते हैं। और हमें ये सब दिख रहा है, हमें ये सब पता है, फिर भी हम रिश्तों में वैसे ही चल रहे हैं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। क्यों नहीं हम चेंज करते इस लाइन को और ये कहने की जगह मुझे प्यार चाहिए हम कहें मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। बोल सकते हैं हम ऐसा? नहीं, ताली रहने दो। करना है कि नहीं पहले वो बात करते हैं। ताली तो जरूरत नहीं है, ताली आप अपने लिए घर जाके बजाना जब आप करना शुरू करोगे उसको। कौन सी कैसे करना है वो सेकेंडरी है, इम्पोर्टेंट है जस्ट फील कौन सी बेटर आती है, कि मुझे सारा दिन चाहिए
या मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, कौन सा बेटर लगता है? तो आज से ऐसे खड़े होना बंद करें, ऐसे खड़े होना बंद करें। हाँ, जितना ऐसे खड़े होंगे उतना कम होता जाएगा, क्योंकि डीप बिलीफ सिस्टम, मुझे चाहिए 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 चाहिए, किसको होता है? जो खाली है। हम यहाँ से बाहर सड़क पर जाते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, रेड सिग्नल पर रुकते हैं, कुछ लोग आते हैं ऐसे, वो आते हैं जो खाली हैं, जिनके पास नहीं है। फिर वो हमारी खिड़की पे खटकाते रहते हैं, खटकाते रहते हैं, खटकाते रहते हैं, हम नहीं देते लेकिन वो जाते नहीं हैं। फिर वो खटकाते रहते, खटकाते रहते, खटकाते रहते, हम थक जाते, खिड़की खोलते, ऐसे डालते हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं, और जितना हम ये कर रहे हैं उतना हम भरने की बजाय, अगर मांग रहे थे तो मिल रहा होगा, और अगर मिल रहा होगा तो भरना चाहिए ना, अब तक तो भर जाना चाहिए था। लेकिन मांगने के बाद मिल रहा है, मिलने के बाद भी कहना कि हम खाली हैं तो कैसे हो लिखा? तो कोई अगर ऐसे खड़ा भी होता है वो कभी तो भरेगा। हम तो कितने सालों से ऐसे ही खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने सोचा यही नॉर्मल है। नॉर्मल ये नहीं है। यहाँ से दूर चलकर देवी के मंदिर पर जा रहे हैं, 9 दिन अभी देवियों का आह्वान करेंगे। देवियों के हाथ कैसे होते हैं? देवी देवताओं के, सभी देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है, मतलब देने वाला। हम सब की कुल देवी कुल देवता है? किस किस की कुल देवी कुल देवता है? हाथ उठाओ, वेरी गुड। इसका मतलब हम कहते हैं ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं। ये मेरी कुल देवी है, कुल देवता का अर्थ क्या है कि हम किसकी वंशावली हैं? हम किसकी वंशावली हैं? हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। जैसे हम कहते हैं ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे पर दादा दादी हैं, ये मेरे कुल देवी कुल देवता हैं, तो हम उनके हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज के हाथ कैसे थे? हमारे पूर्वज के हाथ कैसे थे? दोनों हाथ से देने वाले। हम उनके कुल के हैं तो हमारे हाथ कैसे होने चाहिए? छोटी सी तो गलती की, इसकी जगह क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। और जैसे ही ऐसे कर दिया, रिश्ते, अभी अभी प्रोग्राम की शुरुआत में दिया जलाया, हम सब भी घर पे दिया जलाते हैं, और बचपन से सीखा था कि दिया जलाना क्या होता है? शुभ होता है। और अगर दिया बुझ जाए तो, दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। तो जैसे मंदिर में दिया पड़ा होता है, अगर वो थोड़ा सा, हम फटाफट भागते हैं, दिया बुझना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? वो दिया अगर बुझ गया तो जीवन अशुभ हो जाएगा? उसमें क्या है? बुझ गया, हवा से हम जाके उसको फिर से जला देंगे? वो उस दिए की बात नहीं हो रही थी, वो हमें जीवन जीने के तरीके सिखाने की बात हो रही थी कि अगर दिया बुझ गया तो जीवन अशुभ हो जाएगा। कौन सा दिया? मुझ आत्मा की देने की क्षमता, दिया, टू गिव, देना, प्यार दिया, सम्मान दिया, सबको दिया, हमेशा दिया। ये दिया अगर जलता रहा तो जीवन कैसे होगा? शुभ होगा। लेकिन ये दिया अगर बुझ गया तो फिर जीवन कैसे हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। तो आज दिया जलाएं, आज दिया जलाएं। कौन रेडी है जलाने के लिए दिया? क्योंकि क्योंकि परसों से क्या शुरू होने वाला है? नवरात्रि। फिर 10 दिन के बाद क्या आ जाएगा? दशहरा। और हम क्या करते हैं? देवी देवताओं का आह्वान बाहर करते हैं, रावण को भी बाहर जलाते हैं, और हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद दिवाली आएगी, हम फिर दिया भी बाहर ही जलाएंगे, और हम फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। तो ये त्यौहार किस लिए आते हैं? ये त्यौहार इसलिए नहीं आते कि हम थोड़े दिन के लिए मनाएं और फिर वापस वैसे ही हो जाएं।
ये त्योहार आते हैं हमारे जीवन जीने के तरीके को परिवर्तन करने के लिए है। तो अष्टभुजाधारी देवी, देखेंगे चित्र सामने, बुद्धि पर लेकर आए चित्र, अष्टभुजाधारी देवी, आपको क्या लगता है कोई था जिसकी अष्टभुजाएं थी? आज अगर किसी के घर एक कन्या पैदा होती है जिसकी अष्टभुजाएं होंगी तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब क्या करना है? अष्टभुजाधारी देवी अर्थात अष्ट शक्तियों वाली दिव्य आत्मा। लेकिन वो अष्ट शक्तियों को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? वो भुजाओं में प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए उसको अष्ट भुजाएं दिखाई जाती हैं। और हर भुजा में, हर हाथ में क्या है? अस्त्र शस्त्र हैं। तो इसका मतलब देवी देवता हिंसा कर रहे थे क्या? देवियां हिंसा कर रही थी? नहीं। और उनके पैरों के नीचे कौन है? पैर के नीचे कौन है? असुर है। ये सब हमें सिखाने के लिए है कि हर आत्मा दिव्य है, शक्तिशाली है, और हर आत्मा के अंदर आठ शक्तियां हैं। और जब हम ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को यूज़ करके वो आठ शक्तियां अपने अंदर इमर्ज करेंगे तो हम अपने अंदर के असुर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। वो आठ शक्तियां होती हैं साक्षी होने की शक्ति, हर परिस्थिति से साक्षी होना, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बातों को समेट लेने की शक्ति, सही और गलत को परखने की शक्ति, फिर परख करके राइट निर्णय लेने की शक्ति, बातों को सहन करना लेकिन जब कोई गलत हो रहा हो तो बात का सामना करने की शक्ति। तो इसीलिए काली देवी एक बहुत विकराल रूप में दिखाई जाती है कि संस्कार हो तो एडजस्ट करो लेकिन अत्याचार हो तो उसका सामना करो। और फिर अष्ट शक्ति में जो आठवीं शक्ति है वो है जब आप ये सारी शक्तियाँ ले आएंगे तो आप अपने वाइब्रेशन से सबको और सृष्टि को सहयोग दे रहे हैं। तो आठवीं शक्ति है सहयोग देने की शक्ति। तो नवरात्रि मतलब ये अष्ट शक्तियों को अपने अंदर जागृत करना। और जब ये अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होंगी तो दसवें दिन हमारे अंदर का रावण क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और रावण के 10 सिर दिखाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 10 सिर के साथ था। वो 10 सिर हमारे 10 विकारों का प्रतीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलस्य, नफरत, ये हमारे 10 विकार हैं। अब क्या दिखाते हैं? रावण के सिर को मारने की कोशिश की, एक सिर गिरता था, फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आ जाता था, फिर दूसरा सिर गिरता था, थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आता था। हमारा भी ऐसे ही हो जाता है। हम कहते हैं आज से गुस्सा नहीं करेंगे, थोड़े दिन के बाद फिर गुस्सा कर देते हैं। फिर हम कहते हैं आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, थोड़े दिन के बाद वो सिर वापस आ जाता है। फिर पता चला कि रावण को ख़त्म करना है तो एक पॉइंट पर हिट करना है, अगर उधर हिट किया तो सारे 10 सिर इकट्ठे गिरेंगे। वो एक पॉइंट होता है खुद को जानना कि मैं देह नहीं, मैं नाम नहीं, मैं रिश्ता नहीं, मैं रूप नहीं, मैं रोल नहीं, मैं पोजीशन नहीं, मैं इन सब को निभाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। जब तक हमें ये याद नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूँ और हर एक जिसके साथ मैं रिश्ते में हूँ वो भी आत्मा है, जब तक ये याद नहीं रहेगा तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते की कॉन्शियसनेस में चलते हैं, आत्मा की कॉन्शियसनेस में नहीं। तो राजयोग मेडिटेशन हमें क्या मदद करता है? ईगो से, ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाना, देह भान से आत्मिक स्वरूप, देही अभिमानी स्थिति में जाना। किस किस को पता है कि मैं आत्मा हूँ?
आपको पता है आप आत्मा हो। हाथ उठाना एक बार देखे कौन कौन आत्मा है यहाँ पर। अच्छा आत्मा है सिर्फ अभी या 8 बजे तक और उसके बाद घर जाके मैं पति हूँ तो मेरे साथ ऐसे नहीं बात कर सकते हो, मैं बड़ा हूँ तो मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ये रिश्तों में टकराव यही आते हैं। तो मैं आत्मा हूँ पता होने से क्या क्या चेंज हो जाता है और जिससे सारे रिश्ते चेंज हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, रिश्ता शब्दों से और व्यवहार से नहीं बनता है, रिश्ता सोच से बनता है। आप किसी के साथ कितना भी प्यार से बात कर लीजिए, कितना भी उनके लिए अच्छा कर लीजिए, लेकिन अगर अंदर मन की स्थिति में थोड़ी सी वाइब्रेशन डिफरेंट है तो वो रिश्ते की फाउंडेशन हमेशा कमज़ोर रहेगी, फ्रजाइल रहेगी, और एक छोटी सी बात आएगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और पूरा रिश्ता हिलने लग जाएगा। हम में से किस किस को आता है मीठा मीठा बात करना पर अंदर से अलग अलग सोचना किसी के लिए? आता है ना, वही हमारा मुख्य कारण है रिश्ते की फाउंडेशन कमज़ोर होना। हम किसी से मिलते कहते आपसे मिलकर बड़ा ही मज़ा आया, अंदर कहते बोर हो गया, मैं फिर से नहीं फ़ोन उठाना इसका मैंने अगली बार। किसी को कहते आप आना संडे को हमारे घर, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, वो प्यार से मान के आ जाते, कहते ले एक बार बोला आ ही गया ये तो खाना खाने। और फिर हम अपने आप को टिक मार्क देते हैं कि मैंने प्यार से बात की, मैंने सम्मान से बात की, मैंने तो खाना भी बना के खिलाया और मैंने तो जाते जाते गिफ्ट भी दी, तो मेरा रिश्ता कैसे होना चाहिए? लेकिन वो रिश्ता नहीं मजबूत होता, क्योंकि रिश्ता यहाँ नहीं, रिश्ता यहाँ बनता है। तो अपने किसी भी रिश्ते को सामने ले आइए जिसको आप थोड़ा और मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है जितनी मधुरता होनी चाहिए वो नहीं है, छोटी छोटी बातों में गलतफहमियाँ, बुरा लगना होता रहता है। सिर्फ एक चीज़ कीजिए, अपनी सोच उनके लिए चेक करने शुरू कर दीजिए, अपनी सोच उनके प्रति चेक करने शुरू कर दीजिए। और उसको आप अपना आज से होमवर्क बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तरफ से उनके प्रति जो हर संकल्प चलेगा वो शुद्ध होगा, श्रेष्ठ होगा, प्यार और सम्मान से भरपूर होगा। आप 12 दिन ये कर लीजिए, दशहरे वाले दिन तक आपका रिश्ता डेफिनेटली बेटर होना शुरू हो जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें डिपेंडेंसी दूसरे पर नहीं रखनी, लेकिन वो तो नहीं कर रहे। होमवर्क एक साइड से होना है सिर्फ। दूसरी एक भ्रांति जो हमने बचपन से सीखी थी, दोनों को कुछ करना पड़ेगा ताकि रिश्ता ठीक हो जाए, नहीं नहीं, एक भी कर ले तो रिश्ता बदल जाएगा। अगर एक आज नेगेटिव सोचना शुरू कर दे तो रिश्तों में गांठ आनी शुरू हो जाएगी, और अगर एक अपनी सोच को बदल ले तो रिश्तों की गांठें खुलने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर एक भी करता है तो वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंच जाती है, तो दूसरे की तरफ ऐसे देखकर इंतज़ार नहीं करो, ये कुछ करेंगे तो हमारा रिश्ता ठीक होगा। और फिर जब गलतफहमियां बहुत सारी हो जाती हैं, नाराज़गियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं चलो बैठ कर बात करते हैं, ये भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कई बार जब बैठ कर बात करने लगते हैं तो गांठें खुलने की बजाय, क्योंकि हमें क्या लगता है अरे मौका मिला इनको मैं सारा बता दूं, इनके अंदर कौन कौन सी गलतियां, आज ये मूड में ये चेंज हो जाएंगे, आज हम बैठते ही उनको चेंज करने के लिए हैं, और वो भी उसी इंटेंशन से बैठे हैं कि भाई आज ये रेडी हो गई है, बैठी है कि चलो रिश्ते को ठीक करते हैं, तो मैं इनको भी बता दूं इनके अंदर क्या क्या गलत है। और जब हम बैठते हैं बात करने के लिए तो हम एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू करते हैं कि जब दूसरा रियलाइज़ करता है भाई आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो वो रिश्ता गांठ खुलने की बजाय और गांठें बन जाती हैं। रिश्ते को सुलझाने के लिए बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दोनों में से एक जना अपनी सोच बदलो।
एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय दूसरे को स्वीकार करना शुरू करो। बचपन से यही सीख लिया, रिश्ता मतलब एक्सपेक्टेशन तो, कंप्लीट द लाइन, रिश्ता मतलब एक्सपेक्टेशन तो, अपेक्षाएं तो, बोलो ना, सुनाई नहीं दिया, होने ही है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन मतलब कि मैं जैसा चाहूं आप वैसे होंगे, और अगर आपको अलाउड है एक्सपेक्टेशन रखना तो सामने वाले को भी अलाउड है। तो आपने एक्सपेक्टेशन रखना है वो मेरे जैसे होंगे, मैंने एक्सपेक्टेशन रखना है, कैसे रिश्ता बन सकता है इस तरह से? क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, सामने वाला एक रिश्ता नहीं, एक आत्मा है, एक आत्मा जो इस रिश्ते का रोल प्ले कर रहा है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा है ऐसा होना चाहिए, बहू है ऐसी होनी चाहिए, पति है ऐसे होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स, जो कि अच्छे हैं, समाज ने बनाए हैं, बहुत सही हैं बिल्कुल, लेकिन वो एक रोल के डूज एंड डोंट्स हैं कि बेटे का रोल जो प्ले कर रहा है उसको ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो राइट है बिल्कुल बात, लेकिन रोल प्ले करने वाला एक्टर अलग 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 होता है। मतलब रोल प्ले करने वाली सोल जो है, एक्टर है, वो अलग अलग होती है। एक ही रोल अगर पांच आत्माएं प्ले करेंगी तो तरीका प्ले करने का कैसे होगा, अलग होगा। तो सबसे पहले उनको देखिए कि वो रोल नहीं, वो एक आत्मा है। अब जैसे ये याद आएगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जब हमें ये याद आ जाता है और समझ आ जाता है मैं आत्मा हूँ, तो मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ। आज मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, इससे पहले मैं कहाँ थी? आज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, इस शरीर में हैं, इससे पहले हम कहाँ थे? इससे पहले हम कहाँ थे? सिस्टर पिंक ड्रेस में आप खड़े होंगे, एक मिनट, हाँ आप खड़े हो जाओ, नहीं आप नहीं, आप नहीं, हाँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अपनी एज बता सकते हैं? 27, आप सब अपनी एज बताइए, अब उनकी 27 है, आप अपनी बोलिए, बोलिए ना, आवाज़ ही नहीं आती, बोलो, हाँ हाँ। ये किसकी एज है? ये शरीर की एज है, ये हमारी एज नहीं है, इसलिए वो सब भ्रांतियाँ खत्म करूँ, मैंने नहीं अपनी एज बतानी, एज कोई पूछता है क्या किसी के, क्या मतलब है इस बात का, ये तो मेरे शरीर की एज है। तो अब इस, आपने ये जो वाइट पिंक ड्रेस पहनी हुई है, इसकी कितनी एज है, मतलब ये कब खरीदी थी? 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, आज पहली बार पहनी है, आज पहली बार पहनी, ओले ताली बजाओ, नई ड्रेस है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये मेरी एक ड्रेस है, इसकी क्या एज है, ये मेरी दूसरी ड्रेस है, इसकी क्या एज है, मेरी एज क्या है, ये एक दिन है, पहली बार पहनी है, ये 27 ईयर्स से पहनी है तो इसकी एज 27 साल है, आपकी एज क्या है? सबने बताना है, उनकी तरफ नहीं देखो, अपनी एज बताओ, आपकी एज कितनी है? यस यस यस, आत्मा की कोई एज नहीं होती, एज लेस। तो अगली बार कोई आपको आपकी एज पूछे तो बोलो एज लेस, इटर्नल, अजर अमर अविनाशी, वो तो सत्य है ना, सत्य तो है, इटर्नल है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, 27 साल से ये आत्मा इस शरीर में है, इससे पहले कहाँ होंगे? अजर अमर अविनाशी है मतलब आत्मा का विनाश नहीं होता, तो जिसको हम डेथ बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं, कि वो नहीं रहे, तो क्या नहीं रहा? शरीर नहीं रहा। हमेशा याद रखना है, शरीर नहीं रहा, आत्मा कहाँ गई? आत्मा कहाँ गई? आत्मा ने वो शरीर का त्याग कर दिया, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, थोड़े महीनों में नई ड्रेस, नई ड्रेस, ठीक है,
तो 27 years पहले ये आत्मा कहाँ थी? एक और ड्रेस में। अब इस जर्नी को देख लीजिएगा, 27 साल पहले, 28 साल पहले एक अलग शरीर, एक अलग परिवार, एक अलग वातावरण, 100 साल उस ड्रेस में, उससे पहले एक और शरीर, 100 साल उस ड्रेस में, अलग परिवार, अलग वातावरण, उससे पहले, हर आत्मा एक लंबी जर्नी पर है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर शरीर में अलग पेरेंट्स, अलग परिवार, अलग परिस्थितियाँ, अलग माहौल, सोच अलग, नज़रिया अलग, संस्कार अलग, कर्म अलग। आत्मा जिस दिन शरीर छोड़ती है अपने साथ क्या लेकर जाती है? संस्कार और कर्म। पक्के है ये बात? किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को लगता है आत्मा क्लीन आ रही है, साफ, कोई संस्कार और कर्म नहीं? तो अपने बच्चों को देख लो, किस किस के दो बच्चे हैं, मतलब एक से ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से? हाथ उठाओ जिनके बच्चे संस्कारों में एक दूसरे से अलग हैं, और जिनके बच्चे पेरेंट्स से भी अलग हैं वो भी हाथ उठाओ। बाय एनी चांस इस कमरे में किसी के जुड़वा बच्चे हैं? ट्विंस, स्टैंड। नेचर में थोड़े से अलग? वेरी गुड। नेचर में कंप्लीटली ऑपोजिट। दिखने में? अब इसको देख लेते हैं, एक ही माता पिता, दो बच्चे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे पैदा हुए होंगे, 2-4 मिनट आगे पीछे। माता पिता एक, स्कूल एक, परवरिश एक, पालना एक, शहर एक, मोहल्ला एक, सब कुछ एक, मतलब प्रेजेंट में सारे पैरामीटर्स एक, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग। अभी एज क्या है बॉडी की दोनों के? दोनों की डेस्टिनी एक जैसी चल रही है, ये भी अंडरलाइन करो। दोनों के संस्कार भी अलग अलग हैं, दोनों के भाग्य भी अलग अलग चल रहे हैं। अभी तो 16 वर्ष हुए हैं, अभी तो भाग्य देखना है आगे बहुत कुछ। तो क्वेश्चन नहीं उठता कि जुड़वा बच्चे, एक ही पेरेंट, एक ही सब कुछ, ये इतने अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो दोनों बच्चे इकट्ठे पैदा हुए हैं सिर्फ अभी, इससे पहले दोनों आत्माएं अलग अलग थे। लेकिन जब ये पेरेंट उन दोनों बच्चों को देखेगा, भाई दोनों इकट्ठे पैदा हुए, इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे दोनों को सब कुछ दिया, ये दोनों इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमें भूल गया कि वो आत्मा है, हमने कहा ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो आएगी। थैंक यू। अब अपने बच्चों को देख लो। हाँ जी, हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। इसको फिक्स कर लो, हर एक को समझना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एक सीडी होती है, उस पर 5 फोल्डर हैं और हर फोल्डर में अलग अलग गाने हैं, ठीक है? तो मैं आत्मा, उस पर 5 प्रकार के संस्कार, हर फोल्डर में अलग अलग संस्कार। फर्स्ट फोल्डर, सबसे इम्पोर्टेंट सेट ऑफ संस्कार्स, मैं आत्मा जो पूर्व जन्मों से संस्कार लेकर आई हूँ, सबसे बड़ा फोल्डर है वो। दूसरा फोल्डर, मुझ आत्मा को जो संस्कार अपने इस परिवार से मिले हैं, गर्भ में मिले, गर्भ संस्कार बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब हम सब गर्भ में थे तो वातावरण अलग था, आज जो बच्चे गर्भ में हैं माहौल बदला हुआ है। इसीलिए बच्चों पर उंगली रखकर ये नहीं कहना आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं। जब हम गर्भ में थे तो हमारी मम्मीज क्या देखा करती थी? रामायण, ठीक है?
देवी देवताओं के चित्र लगाए जाते थे, सात्विक खाना खिलाया जाता था, पूजा प्रार्थना पाठ कराया जाता था। कहते ये सब करो, श्री कृष्ण श्री राम जैसा बच्चा आएगा आपके घर में। आजकल की मम्मीज के हाथ में क्या है? आपको लगता है ये क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि आजकल के बच्चे ऐसे क्या कर रहे हैं, क्यों इतने हाइपर हो गए हैं, क्यों एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, क्यों छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, क्यों इतनी जल्दी मुरझा जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी ये कहने लगते हैं मुझे जीना नहीं है, ये सब उन्होंने कहाँ से कैच किया? सबसे पहली बात तो वो इसी समाज से शरीर छोड़कर गर्भ में आए हैं, तो वो स्ट्रेस, वो तनाव, वो एंग्जाइटी लेकर आए हैं। फिर जब वो गर्भ में थे तो उनकी मम्मीज पापास घर टूटने वाले सीरियल देख रहे थे, सोशल मीडिया पर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को कम फील कर रहे थे, और फिर अब तो OTT प्लेटफॉर्म आ गए तो ऐसे ऐसे चीज़ें देख रहे हैं कि जो चीज़ आप बच्चों को दिखा नहीं सकते वो चीज़ जब आत्मा गर्भ में है तो देखना नहीं है, क्योंकि गर्भ में वो आत्मा जो चीज़ को सुन लेती है, देख लेती है, कैच कर लेती है, वो फॉर एवर यहाँ रिकॉर्ड होता है। गर्भ संस्कार बहुत पावरफुल संस्कार है, और यही अगर आपने गर्भ के समय मेडिटेशन किया, योगा प्राणायाम किया, परमात्मा को याद किया, सात्विक खाना खाया, बाकी टाइम मेहनत करना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उस बच्चे के अंदर वो संस्कार उस समय डाल दिए। अभिमन्यु को याद था ना कि चक्र में कैसे घुसना है, चक्रव्यूह में कब सीखा था उसने, कितने साल बाद वो उसके काम आया। तो हमें ये पता है कि कितने एज में डला था, याद कब आया और कब काम आया। इसका मतलब गर्भ में डली हुई बात जीवन भर हमारे साथ रहती है। तो सेकंड फोल्डर जो है वो है परिवार से मिलते हुए संस्कार, गर्भ में और फिर परिवार से। तीसरा फोल्डर है वातावरण से बनने वाले संस्कार। हम कौन से शहर में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, हमारे दोस्त कौन से हैं, संग का रंग, वो है तीसरा फोल्डर। और आजकल संग का रंग कौन है? आजकल संग का रंग कौन है? हमारी पॉकेट में घूमता है, तीसरा फोल्डर है। चौथा फोल्डर है विल पावर, इच्छा शक्ति, कि मैं आत्मा पूर्व जन्मों से, परिवार से, वातावरण से कोई भी संस्कार लाई हो, मेरे पास विल पावर है, मैं अपना संस्कार चेंज कर सकती हूँ, वो चौथा फोल्डर है। और पांचवा फोल्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आत्मा के निज संस्कार, जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। हर आत्मा के सात निज संस्कार होते हैं, ये फिक्स कर लेना, ये हर आत्मा के होते हैं। सबसे पहला संस्कार पवित्रता, बोलिए मैं पवित्र आत्मा हूँ, बोलिए। दूसरा शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बोलिए। जब आप इसको बोलेंगे ये आपके अंदर वो ट्रिगर करेगा, क्योंकि आपके पास वो गाना है, हमें उसको प्ले करना है। तीसरा मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इसलिए हमें प्यार चाहिए नहीं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। चौथा मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हैप्पीनेस चाहिए नहीं, हैप्पीनेस हमारा संस्कार है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, सतो गुणी आत्मा, ये सात संस्कार हर आत्मा के पास हैं। अब अपने परिवार के सदस्यों को देख लो, उनके कौन से संस्कार को देखकर मन ये प्रश्न करता था कि ये ऐसे क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आता ये ऐसे क्यों हैं, क्यों हैं ऐसे, क्यों हैं उनके पास वो संस्कार? क्योंकि वो कभी ना कभी किसी ना किसी वस्त्र में, किसी ना किसी शरीर में, किसी ना किसी परिस्थिति में उनके वो संस्कार बने।
इस साल भारत के कई स्थानों पर बहुत बारिश हुई और ऐसी भी हुई कि कुछ आत्माओं ने उसमें अपना शरीर छोड़ा, राइट? फिर कई देशों में युद्ध चल रहा है, उसमें भी कोई आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं। और फिर रोज़ तो हम देखते ही हैं कि अनेक अनेक परिस्थितियों में कैसे आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। अब सिर्फ अगर हम फ्लड भी देख लें कि किसी ने फ्लड्स में अपना शरीर छोड़ा, तो इसको सीन को एक मिनट विजुअलाइज करेंगे कि पानी ही पानी है, मेरे घर का सारा सामान उसमें जाता जा रहा है, मैं चीज़ों को संभालने की कोशिश करती हूँ, सब बह गया। फिर मैं लोगों को पकड़ के रखने की कोशिश कर रही हूँ, वो सब मेरे हाथ से क्या होते जा रहे हैं, स्लिप होते जा रहे हैं, और ये सब करते करते मैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब मैं आत्मा जाके माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ, तो मैं कौन से संस्कार, कौन सी वो अंतिम स्थिति का इम्प्रेशन मैं आत्मा लेकर गई होंगी, वो मेरा कौन सा संस्कार बनेगा नए शरीर में, क्या लगता है? आप बताइए, क्या लगता है? डर। सबसे पहले डर, किस किस चीज़ का डर? पानी का डर। और किस चीज़ का डर? मृत्यु का डर। और किस चीज़ का डर? लोगों को खोने का डर। ये तो सिर्फ अंतिम स्थिति की रिकॉर्डिंग है, बाकी तो जीवन भर में जो जो होता है वो तो सब रिकॉर्ड हो ही रहा है। सिर्फ अंतिम स्थिति की भी अगर रिकॉर्डिंग देख लें, अभी आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में और उसके मम्मी पापा नेशनल लेवल स्विमर है। अब वो 9 महीने क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है? हाँ, हम नेशनल लेवल है, उसको ओलंपिक तक लेकर जाना है। बहुत अच्छी इंटेंशन है। जैसे ही वो बच्चा 2-3 साल का होता है, वो उसको स्विमिंग पूल के नज़दीक लेकर जाते हैं। स्विमिंग पूल के नज़दीक जाते ही वो बच्चा क्या करेगा, स्विमिंग पूल के नज़दीक जाते ही वो बच्चा क्या करेगा, वो डर कर भाग जाएगा। क्या पेरेंट्स को ये समझ में आएगा ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, वो परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, वो रिडिक्यूल भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो कितना डरपोक है, हमारा बच्चा हो के डरपोक कितना। फिर वो उसको अपने दूसरे बच्चों के साथ या और बच्चों के साथ कंपेयर भी करेंगे, बाकी सब तो कितना आसानी से स्विम कर सकते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब ये सब होगा उस आत्मा के साथ, तो क्या लगता है उस आत्मा की स्थिति, जो पहले से ही थोड़ी सी, जब उसको सबसे, सिर्फ एक दो से नहीं, सबसे इस तरह से निंदा, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही ना हमारी, जब ऐसे मिलेगा तो उस आत्मा की शक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी और ही घटेगी। लेकिन ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि हमने कहा मेरा बच्चा है, मेरे जैसा होना चाहिए, और जो हम उसको बनाना चाहते हैं वैसे उसको बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें याद आएगा ये आत्मा है, और अगर कोई आपको धीरे से आकर बोले, आपको पता है 3 साल पहले उस शहर में फ्लड हुआ था ना, ये आत्मा ने उसमें शरीर छोड़ा था, तो 1 सेकंड में, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये डरपोक कैसे हो सकता है, और जैसे ही किसी ने आके धीरे से बोला इसने वो शहर में शरीर छोड़ा था जब पानी इतना आया था, 1 सेकंड में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अच्छा फिर तो डर लगना, क्या होगा, क्या बोलेंगे, फिर तो डर लगना, ये है शिफ्ट एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ, अपेक्षा से स्वीकार करने की तरफ। अपेक्षा कब थी, जब हमने कहा ये मेरे अनुसार होना चाहिए, और अपेक्षाएं खत्म होकर स्वीकार करना कब शुरू किया, एक्सेप्ट कब करना शुरू किया, जब हमें समझ में आया आत्मा है, अपनी जर्नी पर आते हैं, अलग अलग संस्कार लेकर आते हैं। अब अपने परिवार वालों को देख लो, पानी से डर तो समझ में आ जाता है, किसी को विश्वास करने से डर लगता है। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी लॉयल हो, उनके पास शक करने का संस्कार है। पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मुझे शक कर रहे हो,
आपको नहीं शक कर रहे, शक करने का संस्कार रिकॉर्ड करके लेकर आए हैं। किसी के पास निंदा करने का संस्कार है, हम कहते इतना करो फिर भी आप निंदा कर देते हो, मेरे को बार बार आप ऐसे करते हो, वो आपको नहीं कर रहे हैं, निंदा करने का संस्कार रिकॉर्ड करके लेकर आए हैं। अब हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है, क्या रोल बनता है, हमारा परिवार है ना, हम तो परिवार का रोल क्या बनता है, उस संस्कार की निंदा करना, उस संस्कार का मजाक उड़ाना, उस संस्कार को देखकर खुद परेशान होना और रोना, या दूसरे को संस्कार बदलने की मदद करना। क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो चारों फोल्डर में कोई भी संस्कार हो, हर आत्मा के पास वो पांचवा फोल्डर है, शांति, पवित्रता, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, वो हर आत्मा के पास है। तो अगर हमने उस फोल्डर के संस्कारों को बोलना शुरू किया तो ये वाला संस्कार क्या होता जाएगा और वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा। तो अगर किसी के अंदर डर का संस्कार है और हम बोलते कितना डरते हो, कितना डरपोक हो, कितना डरपोक हो, डरते ही रहते हो, तो डर का संस्कार क्या होता जा रहा है, डर का संस्कार क्या होता जा रहा है, रीइन्फोर्स, वो बढ़ता जा रहा है, दाग पे दाग पे दाग। अब अगर मुझे उसके डर को संस्कार को खत्म करना है और मुझे निडरता का संस्कार लेकर आना है तो मुझे क्या बोलना चाहिए उस बच्चे के लिए, सात संस्कार चेक करो और उसमें से एक सिलेक्ट करो। तो हम कहेंगे तुम शक्तिशाली आत्मा हो, सारे कहेंगे तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, लेकिन हम कहेंगे तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, और बोल बोल कर क्या कर देंगे। और हम सब ने किए हैं, आप सबको अनुभव होंगे, और अगर अपने घर के नहीं है तो अपने औरों को देखो, कितनों ने अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ परिवर्तन कर दिया, सिर्फ जो कमजोरी उनके पास थी उसका वर्णन नहीं किया, उस कमजोरी को जिस शक्ति के साथ रिप्लेस करना था वही शक्ति बोली 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 बोली, सोची, वर्णन की और संकल्प से सिद्धि करके उस संस्कार को इमर्ज कर दिया। ये होते हैं रिश्ते, ये होते हैं रिश्ते। रिश्ते मतलब ये नहीं आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, रिश्ते मतलब मैं समझती हूँ आप ऐसे क्यों हैं और अब मेरा ये रोल और जिम्मेवारी है कि इस रिश्ते में आपका वो वाला संस्कार मुझे क्या करना है, इमर्ज करना है। आंख बंद कीजिए, अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए, क्लोज फैमिली मेंबर, अब उनको चेहरा नहीं, रिश्ता नहीं, जस्ट आत्मा है ऐसा देखिए। सोल ऑन अ जर्नी, आत्मा एक लंबी यात्रा पर, और सबसे पहले उनसे कहिए आई अंडरस्टैंड यू, हम आपको समझते हैं अब, क्योंकि हमें क्या समझ मिली है कि ये आत्मा एक लंबी यात्रा पर थी और कभी ना कभी कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये संस्कार लेकर आए हैं। उनको कहिए आई अंडरस्टैंड यू, हम आपको समझते हैं। दूसरा, आई एक्सेप्ट यू, हम आपको स्वीकार करते हैं। स्वीकार मतलब आज से हम कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई है। समझ आने से स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है। और तीसरा संकल्प, आई ब्लेस यू, मतलब मैं आपको अब दुआएं देती हूँ, दुआ देकर आपके ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करना है। अब ये दुआ आप सब ने खुद सिलेक्ट करनी है कि जो संस्कार आपको उनके अंदर चेंज करना है उसके विपरीत का जो ओरिजिनल संस्कार उस आत्मा के पास है उसको सिलेक्ट कीजिए और कहिए आप
फिल इन द ब्लैंक, शक्तिशाली आत्मा, किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है बोलो आप शांत स्वरूप आत्मा, कोई छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाता है, सेंसिटिव है, दुखी हो जाता है, कहो आप प्रेम स्वरूप आत्मा, कोई संतुष्ट नहीं होता है, कितना भी मिले तो भी लालच 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 और चाहिए, बोलो आप पवित्र आत्मा, आप संतुष्ट आत्मा। आपने सिलेक्ट करनी है कि आपका संकल्प आज उनके लिए कौन सा होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि हमने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है, चाहे शब्दों में चाहे संकल्पों में, क्योंकि हमने उनके संस्कार को रिजेक्ट किया था। तो पहला संकल्प क्या है? आई अंडरस्टैंड यू, हम आपको समझते हैं। दूसरा संकल्प क्या है? आई एक्सेप्ट यू, आपको स्वीकार करते हैं। और तीसरा संकल्प क्या है? आई ब्लेस यू, आपको दुआ देकर हम अब परिवर्तन करने की शक्ति देते हैं। ओके, आंख खोलिए, वापस आइए। कौन कौन कर पाया ये हाथ उठाइए जरा। और किस किस को काउंटर स्टेटमेंट मिली कि मुझे कौन सी लाइन अब बोलनी है, मिल गई सबको? ये हमारी भाषा बन जाएगी इसके बाद। अब जो आप चाहते हैं कि वो हो, वो ही सोचना है और वो ही बोलना है, और जो आप नहीं चाहते कि हो वो कभी सोचना नहीं है और बोलना नहीं है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हम नहीं चाहते वही हम सोचते और बोलते रहते हैं बार बार। तो जो चीज़ को हम सोचेंगे और बोलेंगे वो वाली वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, और स्ट्रेंथन होती जाएगी। दो पौधे हैं, एक को मुझे ख़त्म करना है, एक को मुझे बढ़ाना है। तो सिंपल तरीका है ना, जिसको ख़त्म करना है उसको पानी देना बंद करो, बस उसको पानी देना बंद करो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। दूसरे को पानी दो। तो हमें कौन से संस्कार को पानी देना है, हमें कौन से संस्कार को पानी देना है? और हम हर रोज़ कौन से संस्कार को पानी दे देते हैं? ये बहुत गुस्से वाला है, ये पढ़ता नहीं है, ये कहना नहीं मानता है, ये काम अपना टाइम पे नहीं करता है, ये कमरा साफ नहीं करता है, ये टीवी बहुत देखता है, ये दोस्त, जो ख़त्म करना है उसी का वर्णन करते रहते हैं। और वर्णन कर करके उस संस्कार को पहले से भी ज़्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ये जिम्मेवारी हमारी है। तो राजयोग हमें बहुत प्यारी विधि सिखाता है कि जो आप उनके अंदर लाना चाहते हैं उसी को सोचो, उसी को बोलो और उसी संस्कार को बढ़ाते जाओ। रेडी करने के लिए, रेडी? हर एक को मिल गया कौन सा संस्कार करना है, किस किस को मिल गया मुझे कौन सी बात उनको बोलनी है? भाषा बहुत सहज है, जो उनके अंदर देखना चाहते हैं वो बोलना है कि आप हो, अभी वो नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा कमरा साफ नहीं रखता तो क्या बोलेंगे उसके लिए? ये तो बहुत मोटा मोटा संस्कार है, सूक्ष्म भी नहीं, आदत। क्या बोलेंगे उसके लिए? इजी है, अब बोलिए। वो साफ नहीं रखते हैं तो क्या बोलना है? बोलो बोलो। आप बहुत साफ रखते हैं, इतना साफ कि मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। टेक योर वाइब्रेशन हायर हायर हायर। इसी को दुआ बोलते हैं, इसी को आशीर्वाद बोलते हैं। और जब वो आशीर्वाद बार 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 किसी आत्मा को मिलेगा तो उसका जो चार फोल्डर में वो दाग वाला संस्कार है वो घटता जाएगा, और पांचवे फोल्डर में जो सात गुण हैं उसमें से जो संस्कार है वो इमर्ज होता जाएगा। इसको रिश्ते बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है या एक्सेप्टेंस नॉर्मल है? एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है या एक्सेप्टेंस नॉर्मल है? तो आज से वोकैबुलरी को चेंज, वोकैबुलरी को चेंज। एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं है। हर रोज़ बोलो आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको स्वीकार कर, बार बार यहाँ बोलना है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि जिस संस्कार के साथ आप हो वैसे ही रहोगे, नहीं। स्वीकार करना मतलब मैं आपके बारे में क्यों, क्या, कैसे ये नहीं करता,
मैं आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करता, इसको कहते हैं स्वीकार करना। तो जैसे याद आता है ये आत्मा है तो स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है। दूसरी चीज़, हर आत्मा अपने साथ क्या लेकर आती है, एक संस्कार, दूसरा कर्म, और जैसे कर्म वो करके आए हैं वैसा बनेगा उनका भाग्य। अब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है। अभी तो बच्चे ने कोई कर्म भी नहीं किया लेकिन पंडित जी हमें उनकी जन्मपत्री दे देते हैं। तो जन्मपत्री में सब कुछ लिखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये जन्मपत्री कैसे बनी, कैसे बन गई? बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया तो जन्मपत्री कैसे बन गई? आत्मा, अंडरलाइन, ताकि माइंड कभी भी ये नहीं कहेगा मैंने इतना किया, इतना किया, फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो मेरा बच्चा नहीं, सोल ऑन अ जर्नी, आत्मा है। हमेशा याद रखना है वो जिस दिन इस घर में आए थे वो अपने साथ अपने कर्मों का खाता लेकर आए थे, और वो कर्मों के खाते के साथ अपना भाग्य साथ में लेकर आए थे। हमारा रोल क्या है फिर एज अ पेरेंट या एनी फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर, ये सिर्फ बच्चे के लिए थोड़ी है, ये तो हर एक के लिए है। हमारा रोल क्या है कि जब भी उसके जीवन में वो हिसाब किताब कर्मों का आएगा तो हमारा रोल क्या है उसमें, हमें कैसा रहना होगा? हमें शक्ति स्तंभ बनकर उस सीन को स्वीकार करके उनके साथ वो सही रास्ते पर चलने का उनको सहयोग देना होगा। लेकिन अगर हमें ही चिंता हो गई, हम ही डर गए, हम ही घबरा गए, तो फिर हम ये अपनी सेवा कर नहीं पाएंगे, और ही हम अपनी मन की स्थिति से उनकी स्थिति को क्या कर देंगे, और ही उस टाइम डाउन कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि मेरे परिवार में हर एक जो सदस्य है और मैं खुद भी, हम अपना कर्मों का लेखा जोखा साथ में लेकर आए, हर एक लेकर आया हुआ है। जो मेरा इस शरीर में अंतिम क्षण होता है वो मेरा 31 मार्च होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और मुझ आत्मा का नए शरीर में जो फर्स्ट क्षण होता है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट होता है 1 अप्रैल। जिस स्थिति में यहाँ एंड किया था उस कर्म की स्थिति में यहाँ स्टार्ट होगा। तो किसी के भी भाग्य में कोई भी सीन आएगी तो देखते हुए हमें कैसा रहना होगा, कैसा रहना होगा, कैसा रहना होगा? शांत, स्थिर, शक्तिशाली, क्योंकि तभी आप उनको उस सीन को क्रॉस करने की शक्ति दे सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे परिवार में कोई परेशान है, दुखी है, और हम शांत और शक्तिशाली रहें? क्या ये पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? यस, नो, क्या ये पॉसिबल है? चार लोग पैदल चल रहे थे एक परिवार के, सडनली बीच में एक खड्डा आ गया, एक गिर गया, बाकी तीन को क्या करना था, बाकी तीन को क्या करना था? लेकिन हमने क्या कहा, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो एक गिरा, तो एक गिरा, तो, और क्योंकि एक गिरा तो तीन इतना प्यार करते हैं कि वो भी तीन गिरते हैं कि उस एक को बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता। फिर वो एक बाहर किसी को ढूंढता है कि कौन मुझे इस दर्द से बाहर निकालेगा। फिर वो एक कोई दोस्त ढूंढता है, वो एक कोई काउंसलर ढूंढता है, लेकिन वो काउंसलर हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि जो प्यार और शक्ति हमें घर से, परिवार से मिल सकती है वो किसी और से, बाहर से कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन हम वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं उस टाइम, क्योंकि जितना वो परेशान है हम उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हमारी वाइब्रेशंस कौन सी हो जाती है, जब हम परेशान होंगे तो हमारी वाइब्रेशंस कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। और फिर जब आप जाकर उनके पास बैठेंगे वो कहेंगे प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ो, हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे आपके साथ बैठना है, कहते मुझे अभी किसी के साथ नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है?
क्योंकि हमारे से उनको कौन सी वाइब्रेशन मिल रही है? आपको लगता है जो दर्द में है वो और नेगेटिव एनर्जी अभी हैंडल कर सकता है इस टाइम पर? लेकिन अगर आप अपनी वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठा देते हैं तो फिर वो खुद आपके पास आकर बैठेंगे, कहेंगे 5 मिनट मेरे को आपके पास बैठना है। आप कहेंगे कुछ बात करनी है? कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बात करनी, बस 5 मिनट मुझे बैठने, तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। हम कौन बन गए उनके लिए? हम बन गए शक्ति का स्रोत, हम बन गए वो शक्ति स्तंभ, हम बन गए वो घर का दिया जिसने दूसरे को लाइट और माइट दोनों दिया। ये बनना है नहीं बनना है अपने घर के लिए? बनना है ना। ऐसा नहीं बनना कि कुछ आई बात उनसे ज़्यादा हम घबरा गए, वो डर गए, उन्होंने आगे से बात ही बतानी बंद कर दी। इस साल के अंदर कई बच्चों ने जीवन नहीं जीने का निर्णय लिया, आप सब उसको पढ़ते होंगे। मेजॉरिटी ने जो चिट्ठी लिखी वो अपने माता पिता को लिखी, और उन्होंने अपने माता पिता को ये चिट्ठी लिखी कि वी आर सॉरी, आप हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम नहीं कर पाए। इसका मतलब डिसीशन किस बेसिस पे था? डिसीशन किस बेसिस पे था? अब वो पेरेंट बच्चे के जाने का दुख, लेकिन खुद को उसका कारण समझने का गिल्ट, कैसे जिएगा जीवन आगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाना नहीं है, हमें उनको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उनको हमें हाई प्रेशर में डालना नहीं है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर कभी वो हमसे अपनी बात कह रहे हैं तो हमें रिएक्ट करे बिना स्थिरता से साक्षी होकर सुनने की शक्ति होनी चाहिए, तब वो बात करेंगे। कोई भी अचानक जाकर ऐसे नहीं कर लेता है। उस बच्चे ने ज़रूर बात की होगी, लेकिन सामने से किसी ने उसको उस तरह से नहीं सुना। सामने से किसी ने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो पढ़ पढ़ सब ठीक हो जाएगा। और अगर किसी ने कहा नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, तो पेरेंट ही घबरा जाएगा, कहते ऐसे कैसे तुमसे नहीं होगा, सामने वाला कैसे बताएगा किसे। तो इसीलिए वो अष्ट शक्तियों में जो सबसे पहली शक्ति है ना, वो है परिस्थिति में साक्षी होने की शक्ति। अर्थात परिस्थिति की एनर्जी, सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी से आपको डिटैच होकर पावरफुल स्थिति में रहकर उसकी बात को सुनना और समझना है। एक छोटा बच्चा होता है, घर आकर अपनी हर बात बताता है, बताता है ना, आज ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। क्योंकि जब वो अपनी वो प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, हम सब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। जब वो 13, 14, 15 साल का होता है, वो तब भी आकर अपनी बात बताता है, लेकिन तब बातें थोड़ी बदल गई होती हैं। और उस दिन वो कहता है, आपको पता है आज क्या किया? आज हमने बंक करके स्कूल में पिक्चर देखने चले गए, उसने आके बताई थी पहली बार बात, लेकिन उस दिन उसको मुस्कुराहट नहीं मिली। उस दिन उसको क्या मिला? हम इसलिए तुम्हारी इतनी फीस भरते हैं कि तू ये कर। बात राइट थी, लेकिन बात बताने का तरीका, हम उसके बंक करने को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया उस दिन। अभी तक उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा था, फिर अगले दिन उसने फिर बताई थी, हमने फिर रिजेक्ट किया। ज़्यादातर अगर रिजेक्शन मिले तो कोई अपनी बात किसी को बताता नहीं है, उन्होंने बताना बंद कर दिया, हमने सोचा उन्होंने करना बंद कर दिया। और जब उन्होंने हमें बताना बंद कर दिया तो उन्होंने किसी और को बताना शुरू कर दिया। इसीलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इस समय हम जिस युग से चल रहे हैं, आप अपने बच्चों को सुरक्षित तब रख सकेंगे अगर वो आकर आपको अपनी हर बात बता दे। और हर बात बता दें इसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे हाँ हाँ ये सब ठीक है, नहीं, आप ठीक हो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप जिस संग में हो, जिस वातावरण में हो, जैसे आपके दोस्त कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड ये सब होता है। अंडरस्टैंड करके उसको एक्सेप्ट करके कि आप सही हो, लेकिन जो आप कर रहे हो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने बच्चे को कहा आप गलत हो,
तो वो बच्चे को पहली बार अपने पेरेंट्स से रिजेक्शन मिलता है। बच्चा गलत होता है या जो उसने संग के रंग में आकर कुछ कर लिया वो बात गलत होती है? कौन गलत होता है? कौन गलत होता है? लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति को गलत बोल देते हैं। किसी को भी गलत बोलेंगे तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, और जैसे ही वो रिजेक्ट हो जाएगा वो रिश्ते की फाउंडेशन क्या होने लगेगी? दूर। गया वो समय जहाँ आप चेक कर सकते थे कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कोई नहीं बता सकता है। पहले तो पड़ोसी आके बता देते थे, पता हमने आपके बच्चे को देखा उधर। अब तो पड़ोसी देखेगा तो भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो पेरेंट्स उसी को डांट देते हैं, आपने हमारे बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोला। कौन बताएगा? फिर बताएंगे नहीं, टीचर बताएंगे नहीं, टीचर को भी डांट देते हैं आजकल। तो फिर एक ही तरीका है, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हर कहना मानना है, वो भी एक छोटी सी गलती हो रही है आजकल कि हम उनका हर कहना मानते हैं। आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए, अगर हम हर कहना मानेंगे और वो ना नहीं सुनेंगे तो वो बड़े होकर परिस्थिति कोई आएगी तो उसका सामना करने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा था बचपन में। आपको क्या चाहिए, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या लेना है, ये बच्चे को नहीं पूछा जाता। हमसे तो किसी ने नहीं पूछा था। आपसे पूछा था बचपन में आप क्या खाएंगे आज? आपको क्या बोला था? बन गया खा लो। अब ये छोटी सी बात होती है, बन गया खा लो, या आपको क्या खाना है। एक बच्चे के लिए वो खाना पहनना वही उसकी जीवन है। जब मुझे ऐसा कहा जाता है ये बन गया है आप खा लो, तो मेरे अंदर एक शक्ति डेवलप होती है कि जीवन मुझे जो देता है मुझे उसके साथ अडेप्ट करना होता है, मुझे उसके साथ एडजस्ट करना होता है। और अगर हर चीज़ में मुझे पूछा जाता है आपको क्या चाहिए, तो मेरी प्रोग्रामिंग क्या बन जाती है कि लाइफ में क्या होने वाला है वो मैं चूज करूँगा हमेशा, बट लाइफ में ऐसा होने नहीं वाला है बाद में। तो उस बच्चे के अंदर अडेप्ट करने की शक्ति, कुछ बिल्कुल विपरीत मेरे जीवन में आए उसके साथ भी अडेप्ट करने की शक्ति, ये डिवेलप बचपन में होगी, 20 साल की एज में नहीं होगा वो मसल डिवेलप। तो अगर आपके पास सारे साधन हैं, धन है, सब कुछ है, तो भी बच्चों को ना बोलिए, से नो, नहीं मिलेगा ये, रोने दीजिए। अभी रो लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी सुना ना 1 in 5 डिप्रेशन, इसमें से बहुत बड़ा फिगर बच्चों का है, इसमें बहुत बड़ा फिगर बच्चों का है। एक छोटा सा संस्कार अपने घर में आज से लेकर आइए कि खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं चलेगा। कर सकते हैं घर में? कौन कौन अपने बच्चों को फोन देकर साथ में खाना खिलाते हैं? हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं संस्कार बदलने के लिए आज। तो अपने संस्कार की कमजोरी है ये कि मैं उतना टाइम इन्वेस्ट, हमारे को कैसे खाना खिलाया जाता था, मेहनत करते थे हमारे माता पिता, गोल गोल घूमते थे, कहानी सुनाते थे, ये करते थे। हमने कहा हमें क्यों कहानी सुनानी है, फोन लगा दो उस पर कहानी कहानी है। तो हमने उनके सामने फोन रख दिया और फिर वो खाना भी उन्होंने खा लिया, तो हमारा काम हो गया कि उन्होंने खाना खा लिया। लेकिन जो उस एज से फोन के साथ खाना खाएंगे वो स्क्रीन के बिना खाना नहीं खा पाएंगे। और जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो वो जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो एक कार्टून है, अब बच्चे के लिए वो कार्टून में भी अगर लड़ाई हो रही है तो वो वायलेंस ही है ना। अगर वो कार्टून में भी कोई किसी को गिराता है तो फिर वो तो वायलेंस ही है, हिंसा ही है। वो हिंसा की एनर्जी वो खाने में जा रही है, वो खाना वो बच्चा खा रहा है, जैसा अन्न वैसा मन। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा झगड़ा क्यों करता है, हमारा बच्चा गुस्सा क्यों करता है, हमारा बच्चा शोर क्यों मचा रहा है। आज से नियम बनाइए, रोने दो उनको थोड़े दिन, अभी रो लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में रोना नहीं पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको रोते हुए देखकर आपको भी बाद में रोना नहीं पड़ेगा। बहुत हेल्पलेस फील करता है एक पेरेंट जब वो बच्चे को अपने सामने देखता है, जो कि सब कुछ जो पैसा खरीद सकता है वो उसको दे सकता है, लेकिन वो उसकी शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि शक्ति ही एक चीज़ है
जो आप पैसों से नहीं ला पाएंगे। वो शक्ति परिवार को कैसे देनी है? खुद शक्ति को बढ़ाकर वो वाइब्रेशन उनको देनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिश्तों में जो चाहिए, अटैचमेंट नॉर्मल है? अटैचमेंट नॉर्मल है? लगाव नॉर्मल है? किस किस का लगाव है अपने परिवार के साथ, और किस किस का प्यार है अपने परिवार के साथ? दोनों सेम है बातें? दोनों सेम है बातें? मोह और प्यार सेम होता है? मोह और प्यार सेम होता है? पांच विकारों का नाम बोलो एक बार। हाँ हाँ, चौथा क्या? चौथा क्या? मोह। विकार की लिस्ट में है नाम, और हमने कहा नॉर्मल है। विकार मतलब कोई भी ऐसा संस्कार जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती है? घटती है। और गुण मतलब कोई भी ऐसा संस्कार जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? ऐसे अटैचमेंट। प्यार ऐसे है। अटैचमेंट मतलब मेरा मन आपके मन से जुड़ा हुआ है। जैसे दो बच्चे पैदा होते हैं, फिजिकली जुड़े हुए हैं, पैदा होते हैं ना कई बार जुड़े हुए बच्चे। जीवन कैसे होती है? इकट्ठे बैठो, इकट्ठे चलो, इकट्ठे स्कूल जाओ, इकट्ठे छुट्टी लो, इकट्ठे कंफर्टेबल। ये जीवन कंफर्टेबल है हमेशा इकट्ठे इकट्ठे? नहीं। फिर उनको अलग कर दिया जाता है, फिर एक जना बैठ सकता है, दूसरा जना खड़ा हो सकता है, ये कंफर्टेबल है, राइट? इसी तरह अटैचमेंट अर्थात मोह अर्थात लगाव अर्थात मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। अब अगर आप परेशान होंगे, मैं भी परेशान होंगी। अगर आप कुछ कहेंगे, मुझे बुरा लगेगा। अगर आप मेरे से कुछ करेंगे, तो मैंने भी आपके साथ वो बात कहनी है। जुड़े हुए हैं। अब जब जुड़े हुए होते हैं, तो अगर एक परेशान होता है, तो दूसरा भी परेशान होता है। और डिटैचमेंट साक्षी मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति के साथ जुड़ी हुई नहीं है, मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति पर निर्भर नहीं है। अगर आप परेशान हैं, तो मैं कैसे रह सकती हूँ? पावरफुल। अगर आप नाराज हैं, मैं कैसे रह सकती हूँ? शांत। अगर आप कड़वा बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल सकती हूँ? मीठा और सम्मान से भरपूर। तो रिश्ते दोनों में से किस में बेटर होंगे? ऐसे वाले में या ऐसे वाले में? करो हाथ, जरा एक मिनट रखो। कौन से वाले में रिश्ते बेटर होंगे, ऐसे वाले में या ऐसे वाले में? ऐसे वाले में ना। तो मोह नॉर्मल नहीं है, प्यार नॉर्मल है। प्यार मतलब आप नेगेटिव भी करो, मैं फिर भी आपको क्या भेजना है? प्योर पावरफुल अनकंडीशनल लव, इसको प्यार कहते हैं। मेडिटेशन क्या करता है? आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। और जैसे ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है, डिपेंडेंसी निर्भरता खत्म होने लगती है, आत्मा पावरफुल होने लगती है। लोग डर जाते हैं, लोग कहते हैं डिटैचमेंट हो जाती है स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि हमने लगा डिटैचमेंट मतलब हम दूर दूर हो जाते हैं। डिटैचमेंट मतलब हम पहले से बहुत ज़्यादा समीप आ जाते हैं, क्योंकि मन की स्थिति उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। हम उनको बोलते हैं कि आप पढ़ो, हम उनको बोलते हैं कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन अगर हम उनको ये नहीं बोलते कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरी खुशी और दुख उनके नंबर पर निर्भर नहीं है, उनके नंबर पर सिर्फ और सिर्फ उनका करियर निर्भर है। अगर हर बच्चे को ये पता होगा, वो कभी भी सच्चाई बोलने से आपको डरेगा नहीं। लेकिन जब वो देखता है कि मेरे नंबर देखकर मेरे माता पिता का चेहरा ऐसे हो जाने वाला है, तभी वो सारी बातें आती हैं, तभी वो सारी बातें आती हैं। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, लेकिन ये नहीं कहना अगर आप नहीं बने ना तो मैं नहीं, और उसको भी नहीं सिखाना कि अगर आप नहीं बने तो भी आप डाउन नहीं हैं। आपकी खुशी आपके नंबर पर निर्भर नहीं है, ये है डिटैचमेंट। एग्जाम है तो टेंशन होगी ही नहीं, एग्जाम है तो शक्तिशाली स्थिति में जाना होता है एग्जाम। हमने सारी गलतियां सिखाई हैं उनको, इसलिए वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, और फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कौन सा नॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है? तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं, क्या नॉर्मल है? एक्सेप्टेंस नॉर्मल है।
अटैचमेंट नॉर्मल नहीं, क्या नॉर्मल है? प्यार नॉर्मल है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे, हम फिर भी उनको दुआएं भेजें? पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे, हम फिर भी उसको दुआएं भेजें? कौन कौन कर सकता है? कोई गलत व्यवहार करे फिर भी हम उसको दुआएं भेजें? कब तक भेजें? कब तक भेजें? कब तक भेजें? कब तक भेजें और क्यों भेजें? कब तक भेजें और क्यों भेजें? हाँ जी, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते। उनके नॉर्मल होने का तो मत सोचो, जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक भी भेज दिया तो भी काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि क्या होता है, सामने वाला नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, मतलब वो नेगेटिव मनोस्थिति में, वो भेजते नहीं है, वो अपने आप आ रही है हमारे पास। ये नेगेटिविटी निंदा हो सकती है, ये नेगेटिविटी ईर्ष्या भी हो सकती है। अगर किसी को आपसे ईर्ष्या है तो कौन सी वाइब्रेशन आ रही है हमारी तरफ? नेगेटिव आ रही है। अब वहाँ से आ रही है, अगर हम यहाँ हर्ट हो गए, हमें कुछ बुरा लग गया, तो हमारे से भी फिर कौन सी एनर्जी जाएगी? फिर नेगेटिव। उधर से भी नेगेटिव आ रही थी, हमारे से भी नेगेटिव जाएगी, तो वहाँ से और ज़्यादा नेगेटिव आएगी। एंड बहुत जल्दी दोनों के बीच की नेगेटिव क्या होती जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। रामायण देखते थे ना हम टीवी पर, तो उसमें क्या दिखाते थे? यहाँ से एक शस्त्र आता है, फिर सामने वाला कौन सा शस्त्र देता था? वो उसका शस्त्र देखता है, वहाँ से आता है, और वो एक पावरफुल शस्त्र भेजता था। जैसे वो शस्त्र हवा में जाएगा और उसके शस्त्र को बीच में फिनिश कर देगा। तो अगर किसी से हमारे को नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पेन की, दर्द की, इंसल्ट की, ह्यूमिलेशन की, क्रिटिसिज्म की, जेलिस, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, हमें उसको बीच में फिनिश करना है, तो यहाँ से कौन सा शस्त्र भेजना पड़ेगा? यहाँ से कौन सा शस्त्र भेजना पड़ेगा? हम खुद नेगेटिव भेजते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, फिर हम पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं नज़र से बचने के लिए। कभी नींबू मिर्ची टांगेंगे, कभी वो चेहरे अजीब अजीब से लगाएंगे, इतना सुंदर मकान बना के काले रंग का चेहरा लगा देते हैं उसके बाद। किसी की एनर्जी को कोई जड़ चीज़ से नहीं बचाया जा सकेगा, एनर्जी को एनर्जी ही काटेगी। लोहा लोहे को काटता है, सोच सोच को काटेगी, वाइब्रेशन वाइब्रेशन को काटेगा। अगर कोई मेरे पास नेगेटिव भेज रहा है, मुझे कई गुना प्योर एनर्जी उसके पास भेजनी है। पहले हम बच जाएंगे, दूसरा वहाँ में भेजेंगे, तो उनकी भी नेगेटिव क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। किसी की भी नेगेटिव के साथ ट्यूनिंग इन नहीं कर लेनी है, उनकी नेगेटिव हमारे पास आने लग जाएगी। जब हम कहेंगे ना किसी की नज़र लगी, मतलब मैंने कहा मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई, दरवाज़ा मैंने खोला है। अगर किस कोई हमारे लिए नेगेटिव सोचता भी है, तो आपको क्या लगता है कितने लोग हैं आपके जीवन में जो आपको दुआएं देते हैं? क्या लगता है दोनों में से किसकी संख्या ज़्यादा है आपकी लाइफ के अंदर? दोनों में से किसकी संख्या ज़्यादा है आपकी लाइफ के अंदर? किसकी संख्या ज़्यादा है आपके लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी वालों के या नेगेटिव एनर्जी वालों के? तो बस इसको विजुअलाइज़ कर लो कि यहाँ से 4 लोगों की नेगेटिव आ रही है, यहाँ से 20 लोगों की पॉजिटिव आ रही है, तो कौन सी ज़्यादा आ रही है? लेकिन हम ये नहीं कहते पता नहीं कौन मुझे आज दुआएं भेज रहा है, मैंने पता नहीं किसकी नज़र लगी है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ कनेक्टेड है? अगर आप उस पर अटेंशन रखें कि कितने लोग मुझे प्यार की वाइब्रेशन, शक्ति की वाइब्रेशन, दुआओं की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो अपने आप इसका असर होना बंद हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर याद रहे कि मुझ पर तो प्रभु की नज़र है, परमात्मा की नज़र जिस आत्मा पर हो उस पर कौन सी आत्मा की नज़र का असर होने वाला है वो पता नहीं। ये सिर्फ हमारी चॉइस है कि हम किसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं। जहाँ हम अटेंशन देंगे वही एनर्जी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। तो ना खुद बोलो और ना अपने बच्चों के अंदर डर डालो ये सब बोल के। कल बाहर गए थे, आज सुबह आए, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई, हाँ कल पार्टी में गए थे किसी की नज़र लगी। इतना कमज़ोर बना देंगे उसको, इतना फ्रजाइल बना देंगे इस तरह से बोल बोल के। ये नहीं बोलते वायरल इन्फेक्शन हुई, नहीं किसी की नज़र लगी, ये भ्रांतियाँ हैं, ये बोलना नहीं है। किसी की नज़र मतलब किसी की थॉट हो भी सकती है, लेकिन वो मुझे लगे क्यों?
वो लगी इसलिए क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर था, और ऐसा बोल बोल के और भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं बोलना है, कहना मेरे ऊपर तो कितनी दुआएं हैं, मैं हमेशा कैसा हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं परमात्मा की शक्तियों और दुआओं की सुरक्षा कवच में चलने वाली आत्मा हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत कभी हो ही नहीं सकता, और मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, आज से मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार। अरे देख लो अच्छे से अपने सब लोगों को, उनको सामने लेकर आओ, पहले ऐसे ही नहीं बोलते सिर्फ, उनको सबको सामने लेकर आओ, देखो कि आज तक हम उनके सामने ऐसे खड़े थे, और उनको देखो और बोलो आज से मुझे चाहिए नहीं, आज से मैं आप सबको देने वाली आत्मा हूँ, प्यार देने वाली। एंड डिटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है कि सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, मेरी तरफ से जो फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स जा रहा है वो कॉन्स्टेंट है, वो अनटच्ड है। आपके पास इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी और के अंदर वो संस्कार दिखाई नहीं देता, हम अपनी अच्छाई छोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों हम अपनी अच्छाई छोड़ेंगे जस्ट बिकॉज उसके पास वो वाला संस्कार नहीं है? हर एक के पास अलग अलग संस्कार होते हैं, एंड लास्ट एक संस्कार हमें ज़रूर चेंज करना है। कुछ घरों में, कुछ आत्माओं के पास ये संस्कार होता है कि अगर कोई मतभेद हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, कोई बात हो गई, तो उसके बाद मौन रखते हैं, बोल चाल बंद। किस किस के पास वो संस्कार है मौन रखने का? नेगेटिव मौन होता है वो, अच्छा वाला मौन नहीं। अच्छा वाला मौन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मौन होता है जिसमें बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उसके ऊपर, और घर का वातावरण सडनली क्या हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। फिर बच्चों को बोलते हो जाओ बोलो खाना बन गया, फिर उसको भेजते हैं पार्सल लेके, फिर सामने से आते हैं बोल दो उनको मुझे खाना नहीं खाना है। ऐसा सिखाएंगे तो कल जिस दिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे वो भी बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वही सीखा कि जब भी कुछ बात हो तो बात करना बंद कर दो। तो कौन कौन मौन रखता है यहाँ पर? वैसे वाला मौन, हेवी वाला मौन, अरे कोई हाथ नहीं उठा रहा, जैसे तो नहीं हो सकता बिल्कुल। हर एक का संस्कार भी फिक्स्ड हो गया है, किसी के लिए कहते ये 2 घंटा अभी बात नहीं करेंगे, सबको पता होता है एक दूसरे की वैल्यू पे, ये 2 घंटा बात नहीं करेंगे, ये 1 दिन बात नहीं करेंगे, ये कोई अच्छा संस्कार थोड़ी है कि सबको पता है कि भाई हम 2 दिन बात नहीं करने वाले हैं। जब हम इस तरह से साइलेंस में जाते हैं, बहुत हैवी एनर्जी घर के अंदर क्रिएट होती है, क्योंकि जब हम यहाँ से बात करना बंद करते हैं, हम यहाँ बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं। हम सिर्फ उस दिन के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम सालों साल की बातों की फाइलें खुलने लग जाती हैं साइलेंस के अंदर। फिर खाना नहीं खाते तो और मन डिस्टर्ब हो जाता है, भूख तो लगी होती है लेकिन खाना नहीं है, मैंने दिखाना है कि मैं नाराज हूँ। लॉट ऑफ एंग्जाइटी यहाँ क्रिएट होने लगती है, और जब वो होता है तो घर का वाइब्रेशन जो है वो भारी हो जाता है। इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, लोगों के शरीर पर पड़ता है। ये वही लोग हैं जिनको अगर कल कोई शरीर में बीमारी आ गई, आप अपना घर बेच देंगे उनके लिए, होंगे कि नहीं? लेकिन आज उस तरह से मौन रखकर हम बात जब नहीं करते हैं, तो हम ही उनके शरीर के अंदर रोग लाने के निमित्त बन रहे हैं, क्योंकि वो भारीपन आता जा रहा है। तो रिश्तों में ये जो अहंकार होता है, इसको थोड़ा सा क्या करें, अहंकार, रिश्तों को हमेशा अहंकार से ऊपर रखना। तो कितनी देर में हम बात करना शुरू कर सकते हैं? कितनी देर में बात करना शुरू कर सकते हैं? आज से नया संस्कार, बात हुई, पहली बात झगड़ा तो होना नहीं चाहिए, आराम से बात करनी है, साक्षी सकती है, लेकिन अगर बात हो गई, मतभेद आ गया, सल्यूशन निकला तो ठीक, सल्यूशन नहीं निकला तो भी फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड हम बात करना शुरू करेंगे जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं था। कौन करेगा आज से ये तो बहुत इजी है करना, कौन करेगा आज से ये? हाँ, अगर गलती सामने वाले की हो तो कौन करेगा? अच्छा, तो भी हम करेंगे, वेरी गुड। और अगर हर बार हम ही करेंगे, हर बार हम ही करेंगे या कभी कभी वो करेंगे, कभी कभी हम करेंगे? हम कौन सी आत्मा है?
हम कौन सी आत्मा है? देने वाली आत्मा है। हम ऐसे नहीं खड़े होते पहले आप बात करो फिर हम करेंगे, हम बात करेंगे। जितना हम झुकते हैं, जितना अत्याचार के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, लेकिन संस्कारों में जितना झुकेंगे तो जितना झुकते हैं आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? शरीर जब झुकता है शक्तिशाली बनता है, आत्मा जब झुकती है तो शक्तिशाली बन जाती है। हमारी दादी जी कहते थे कि रिश्तों में हारमनी चाहिए तो बस हार मानी कर लो और हारमनी आ जाएगी कि चल मैंने हार मानी और बात खत्म कर तो हारमनी आ जाएगी। लेकिन मैं राइट हूँ, मैं क्यों पहले झुकूँ मैं, तो फिर वो रिश्ते में गांठी 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 आएगी। तो आज से नया संस्कार, कुछ हो भी जाए तो एक सेकेंड में वापस एकदम नॉर्मल आना है, एकदम नॉर्मल। जो जितनी जल्दी नॉर्मल आएगा उसकी शरीर भी नॉर्मल आएगी। यहाँ जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है, उसका हमारा हार्ट पर असर पड़ रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका उनके शरीर पर भी असर पड़ रहा है, और वो वातावरण घर में रहने वाले हर एक के ऊपर असर कर रहा है। हमारी जिम्मेवारी है कि घर के वाइब्रेशन को, बड़े मकान बना लिए, सुंदर मकान बना लिए, अब इम्पॉर्टेंट है शक्तिशाली वाइब्रेशन वाले घर बनाए जाएं। ऐसा घर बनाया जाए जिसमें लोग आए तो कहें पता नहीं आपके घर में क्या है, यहाँ आते ही बड़ा सुकून महसूस होता है। ऐसा घर बनाएं, ये घर अब बनाना है। ऐसा नहीं आपके घर आए तो पर्दा बड़ा सुंदर है, सोफे बड़े अच्छे हैं, हो गया वो सब, हो गया सब आ गया, लेकिन वो सब कुछ आते हुए ध्यान नहीं रखा तो बहुत कुछ साथ में खो भी गया। अब हमें वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, साधन भी चाहिए लेकिन शक्ति और सुकून भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, अपने आप नहीं मिलेगा। साधन भी अपने आप नहीं मिले थे, मेहनत करके कमाया था। शक्ति और सुकून भी कमाना है, उतनी मेहनत नहीं लगती, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन। छोटी छोटी चीज़ें हैं आज से करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा सोने का समय आत्मा की शक्ति पर बहुत असर डालता है। सोने का समय, उठने का समय, कितने बजे उठना चाहिए सुबह? सुबह कितने बजे उठना चाहिए? अच्छा, कौन कौन उठता है 4 बजे? जरा प्यार से हाथ उठाओ। अच्छा, मुहूर्त के समय कभी सोया हुआ नहीं होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त है वो, अमृत वेला है वो, हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम होता है वो 24 घंटे के साइकिल का, लेकिन उस समय उठने के लिए समय पर सोना है। तो एक नियम बनाएं, दिनचर्या में परिवर्तन लाएं कि 9:30-10 बजे तक हम लाइट ऑफ, लेकिन उसके लिए थोड़ा जल्दी भोजन करें और हल्का भोजन करें। ज़्यादा घंटे सोना नहीं पड़ता है, गहरी नींद सोना पड़ता है, कम घंटों में एनर्जाइजिंग हो जाएगी। लेकिन रात को गहरी नींद अनुभव करने के लिए अगर 10 बजे सोना है तो कम से कम 8 बजे हमें अपने काम कारोबार के फ़ोन कॉल्स मैसेजेस बंद करने पड़ेंगे, कल सुबह काम करेंगे। नहीं तो रात को जब हम सोते हैं तो नींद में भी हमारे माइंड पर काम चल रहा होता है, और इसीलिए हम गहरी नींद अनुभव नहीं करते हैं, और आधी रात को नींद खुलती है फिर फ़ोन देख लेते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया था। आपको गहरी नींद सोनी है, आप फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दीजिए। जिसने भी फ़ोन बनाया था उसने डब्बे पर ये नहीं लिखा था कि 24 घंटे को उसको अपने साथ पकड़ के रखना होता है और तकिए के पास उसको रख कर सोना होता है और सबसे पहले नींद खुल के सबसे पहले उसको देखना होता है। साधन हमारे आराम के लिए आए थे, गुलाम बन गए तो साधना भी छूट गई और भाग्य भी बदल गया। इसीलिए ध्यान रखना है, अटेंशन करनी है। वो चीज़ हमारी लाइफ को बड़ी कंफर्टेबल बनाने के लिए आई थी और सच में बड़ी कंफर्टेबल बनाती है, लेकिन अगर हम उसको ठीक से यूज़ नहीं करते तो वही चीज़ हमारे लिए डिस्कम्फर्ट बन जाती है। तो रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले काम कारोबार से डिस्कनेक्ट करना शुरू करें, यहाँ की फाइल्स को शट डाउन करें, और फिर काम कारोबार से डिस्कनेक्ट किया लेकिन फिर नेगेटिव कॉन्टेंट भी नहीं लेना रात को सोने से पहले। जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हम बनते हैं। तो अगर आप 25 साल का ग्राफ बनाइए, हम में से कौन कौन था जब पहला फ़ोन पहला टीवी आया, हाथ उठा,
पहला फ़ोन, पहला टीवी घर पे आया, मेजॉरिटी हम उसी में होंगे। उससे पहले की समाज देखिए और उसके बाद का समाज देखिए, और उसमें भी ग्राफ बनाते जाइए कि पहला टीवी, हफ्ते में एक दिन सीरियल, वो भी बड़ा सात्विक सात्विक, फिर उसके बाद रोज़ एपिसोड, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं एपिसोड, फिर उसके बाद कभी भी देख सकते हैं एपिसोड, फिर उसके बाद फ़ोन पर एपिसोड, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया, सारा दिन अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना, अपने अलावा सारे खुश दिखाई देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक बहुत बड़ी इल्यूजन की दुनिया बन चुके है वो सोशल मीडिया। हमने ऐसे कपल्स देखे हैं जो डिवोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको लगेगा इनसे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं, और उनको खुश देखकर हमारे रिश्ते हिलने लग जाते हैं, क्योंकि हम उनको बोलते कितने बोरिंग हो, उनको देखो वो कितने खुश हैं। सिर्फ क्योंकि बाकी लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं तो हमें ज़रूर जाना है, नहीं तो हम क्या डालेंगे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। सिंपल चीज़ें मुश्किल होने लगी, थोड़ा सा अटेंशन, नहीं तो हमारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। तो रात को सोने से कम एक घंटा पहले कोई नेगेटिव कॉन्टेंट नहीं लेना है, वैसे तो कभी नहीं लेना चाहिए, और रात को सोने से पहले 15 मिनट का टाइम अपने लिए रखिए, 15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट भरकर सोइए, परमात्मा के महावाक्य, हाई एनर्जी कंटेंट। तो सारी रात आत्मा पर और शरीर पर वो हाई वाइब्रेशन शब्द चलेंगे, सबकॉन्शियस में वो हाई वाइब्रेशन वर्ड्स चले जाएंगे, आप सुबह उठेंगे आत्मा की भी शक्ति बड़ी होगी, शरीर की भी हीलिंग हुई होगी। लेकिन सोने से पहले कुछ और भर देंगे तो वो भी अगले 6-7 घंटे असर करता है। कर सकते हैं इतनी छोटी सी चीज़, रात को सोने से पहले 10 मिनट, और सुबह उठते पहली चीज़ फ़ोन नहीं देखनी है, दुनिया की बातों को सुबह सुबह नहीं भरना है, सुबह सुबह परमात्मा को याद कर, परमात्मा की शिक्षाओं को भर, मेडिटेशन कर, परमात्मा से कनेक्ट कर, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। कम से कम आधा घंटा समय अपने लिए रखना चाहिए सुबह। ये छोटी सी चीज़ भी अपने जीवन में ले आए, आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा ऐसे हो जाएगी। शक्ति कम होती है तो आत्मा ऐसे होती है, चाहिए 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 होती है। आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा के अंदर वो शक्ति भरनी पड़ेगी। कुछ संकल्प लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लो अपने फ़ोन के ऊपर, जो आज से हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि संकल्पों से सिद्धि होती है ना, तो संकल्पों से सिद्धि होती है तो संकल्प तो करने पड़ेंगे अच्छे से, रोज़ रिपीट करेंगे इसको। और इस इक्वेशन को हमेशा यूज़ कीजिए, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, संस्कार, सेहत, अच्छे रिश्ते, काम कारोबार, सफलता, सिर्फ सही संकल्प दोहराइए रोज़। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में कैसे रहेंगे? स्थिर, अचल। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। चौथा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, ऑलवेज हैप्पी। पांचवा संकल्प, आप अपने किसी संस्कार के लिए लिखेंगे, उन 7 संस्कारों में से लेंगे और वो लिखेंगे, मैं फिल इन द ब्लैंक, जो संस्कार आप बदलना चाहते हैं, आत्मा हूँ, बनना है नहीं, हूँ, आई एम, मैं हूँ। संकल्प से सिद्धि होती है। छठा संकल्प, अपने स्वास्थ्य के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा, My body perfect healthy always। अगर कोई शरीर में पैरामीटर ठीक नहीं है, उसके लिए संकल्प लिखिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120-80, फिगर भी लिखना है। मन इंस्ट्रक्शन देता है शरीर को, मन वाइब्रेशन देता है शरीर को, शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसके साथ। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए,
मैं सबको स्वीकार करता हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता सम्मान और प्यार की नींव पर मजबूत है, मेरा परिवार एक जुट है, यूनाइटेड फैमिली, रोज बोलिए इस बात को, मेरा घर स्वर्ग है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ, मैं अपने परिवार का दिया हूँ। फिर एक संकल्प आप अपने काम कारोबार के लिए डाल सकते हैं, वो आपको डालना है, जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आप लिखें मैं वो हूँ, मेरे पास वो चीज़ आ चुकी है। और आखिरी संकल्प जो बहुत ज़रूरी है, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको रोज़ ड्रॉ करना, वाइट लाइट सर्कल एनर्जी, परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। फिर इस सुरक्षा कवच को अपने पूरे परिवार के अराउंड ड्रॉ करो, परमात्मा की शक्तियों और दुआएं परिवार के चारों तरफ है। परिवार के लिए चिंता नहीं करो, सुरक्षित करो उनको, चिंता नेगेटिव एनर्जी होती है। फिर उस सुरक्षा कवच को अपने घर के चारों तरफ करो, कोई लो एनर्जी इसके अंदर नहीं आ सकती है। अब इन संकल्पों को रखिए फोन, इन संकल्पों को रोज़ रात को सोने से पहले एक बार करो, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस खुल जाता है, उसके अंदर जाएंगे, और रोज़ सुबह एक बार ज़रूर करो, रात को एक बार, सुबह एक बार। इजी कर सकते हैं, एक मिनट रात को, एक मिनट सुबह। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अगले हफ्ते से मेडिटेशन ज़रूर सीखेंगे। कौन कौन अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना चाहता है, पावर हाउस बनना ही है। जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो लोग कहते थे हर घर में कमाने वाला चाहिए, और अगर घर में कमाने वाले को कुछ हो जाता या नौकरी चली जाती या कुछ और हो जाता, तो कहते ये घर कैसे चलेगा, इस घर में कमाने वाला नहीं रहा। आज घर में सारे ही कमाने वाले हैं, लेकिन अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर घर में कोई शक्ति कमाने वाला नहीं होगा, तो उस घर में कोई बात आएगी तो कौन संभालने वाला है। तो इसलिए अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए, थोड़ा सा समय निकालिए, सेंटर पर आकर हम मेडिटेशन सीखेंगे। और अपने घर में एक प्रयोग कीजिए कि सात्विक अन्न खाइए। अन्न का मन पर असर, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये डीप 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 पावरफुल चीज़ है। आप क्या खा रहे हैं, वो कौन से धन से आया है, वो किस मनोस्थिति में बनाया जा रहा है और किस मनोस्थिति में खाया जा रहा है, आपके संस्कार, कर्म और भाग्य को बदल देगा। तो अपने घर में धन दुआओं के साथ लाइए। कितना धन कमाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैसे धन कमाते हैं। दुआओं के साथ धन आए और सात्विक अन्न खाइए। जब हम मांसाहारी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उसकी वाइब्रेशन में ही दर्द है, उसकी वाइब्रेशन में डर है, दुख है, नफरत है, हिंसा है, मृत्यु है। मृत्यु के वाइब्रेशन का खाना सेहत कैसे दे सकता है किसी को। नवरात्रि के दौरान हम सात्विक खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हम दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना चाहते हैं। तो सिर्फ 9 दिन दिव्यता और शक्ति थोड़ी चाहिए, 3 महीने का प्रयोग करके देखिए। जो जो खाते हैं तामसिक भोजन, उसका नाम ही तामसिक है, वो डेथ की एनर्जी है, और डेथ भी कैसी, वायलेंस, नफरत, गुस्सा, दर्द वाली। परिवार में कोई शरीर छोड़ता है, हम उसी दिन कहते हैं चलो जी अंतिम संस्कार, रखो ना उनका शरीर, टॉक्सिक है वो, और फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है। तो प्रयोग करके देखिए, अभी नवरात्रों में तो सात्विक खाएंगे ही, इस बार उसको 3 महीने कर लो 9 दिन की जगह। 3 महीने अगर जिसने सात्विक खाना खा के देखा, सात्विक मतलब शाकाहारी भोजन, 3 महीने आप करके देखो, आपको आपका पेट और आपकी मनोस्थिति दोनों लाइट मिलेगी, दोनों लाइट मिलेगी। ये करके देखना है, इसीलिए तो नवरात्रों में खाते हैं बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी, क्योंकि लाइट रहना है, लाइट रहना है जागरण। फिर 9 दिन क्यों, हमेशा क्यों नहीं,
और दूसरी चीज, जहाँ खाना रसोई में जब बन रहा है तो परमात्मा के श्याद के शब्द रसोई में चलने चाहिए, कंपल्सरी कर दो अपने घर में। प्रार्थना चले, ये भजन चले, मंत्र चले, प्रवचन चले, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन रसोई में खाना बन रहा है तो परमात्मा के हाई वाइब्रेशन शिक्षाएं रसोई में चलनी चाहिए, ताकि वो अन्न के कण कण में चली जाए, पानी में चली जाए, अनाज में चली जाए, फल में चली जाए, वो खाना प्रसाद बनने लगे। और फिर खाते समय फोन टीवी ऑफ, परमात्मा को याद करके शुक्रिया करके। ये जो 10 संकल्प हैं ये आप खाने को देखकर बोलिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, शरीर स्वस्थ है, रिश्ते मजबूत हैं, घर स्वर्ग है। 10 सेकंड आप रोज़ बोलिए, आपके अन्न की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, मन की स्थिति ऊपर उठ जाएगी। तो जब धन, अन्न, मन और तन आप चारों को सात्विक बना लेंगे तो भाग्य और परिवार स्वर्ग बनना ही है। मतलब ऐसे वाली आत्मा, ऐसे वाली आत्मा। तो मंगलवार से 17 तारीख 3 दिन के लिए सेंटर पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाएगा। 2 समय रखे हैं, दोनों में से जो भी आपको सूट करे, कोई एक समय सूट कर चूज करना है, सुबह 7 से 8, शाम को 7 से 8। 3 दिन सिर्फ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 3 दिन सिर्फ, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, ये 3 घंटे ज़रूर ज़रूर निकालिएगा। जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, आपको एक ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा, उसके पीछे सभी सेंटर के एड्रेस दिए हुए हैं, जो आपको नज़दीक सेंटर हो आप वहाँ जाकर सीखेंगे। ये सेवा है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, बस हमें वो 1 घंटे का समय निकालना है। निकाल सकते हैं हम 1 घंटे का समय 3 दिन के लिए? हाथ उठाओ कौन कौन रेडी है निकालने के लिए। शक्ति स्थम, नवरात्रों में इससे अच्छा गिफ्ट हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं कि अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके, निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, खुद के अंदर शक्ति भर के परिवार के लिए शक्ति स्तंभ बन जाना। जब हम यहाँ से बाहर चलेंगे हमें प्रसाद मिलेगा, जो बहनों ने खुद बनाया है आपके लिए मेडिटेशन करते हुए, तो वो प्रसाद लेंगे और ब्लेसिंग कार्ड लेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। और आज हम घर तक मौन में चलेंगे, ये अच्छा वाला मौन होगा। इस मौन में जितना आत्मा ने अपने अंदर जो जो भरा है, आत्मा को उसके ऊपर मंथन करने का समय मिलता है। उसके अंदर से क्या क्या मुझे अपनी दिनचर्या में आज से लाना है, अपने रिश्तों में आज से लाना है, तो सिर्फ घर पहुंचने तक 10 मिनट लगेंगे आपको सिर्फ, लेकिन घर पहुंचने तक हम बिल्कुल मौन में रहेंगे। ध्यान को लेकर आइए प्रिकुटी के बीच और देखिए अपने आप को चमकता हुआ सितारा। मैं दिव्य आत्मा, शिव की शक्ति, मैं सबको देने वाली प्यार सम्मान, सबको समझने वाली, वो जैसे हैं उन्हें स्वीकार करने वाले, मैं दिव्य आत्मा हूँ। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं साक्षी दृष्टा, उनको समझने वाली कि ये उनका संस्कार है और उनके संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति देने वाली मैं दिव्यात्मा हूँ।
हर परिस्थिति में, हर एक के व्यवहार के साथ स्थिर रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियाँ, प्यार मुझ आत्मा के पास है। मैं उनका बच्चा हूँ। उनसे लेकर खुद को भरती जाती हूँ और सबको देती जाती हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरा परिवार सदा एकजुट है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरे घर के वाइब्रेशन में सुकून है, शक्ति है, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। ड्रॉ कर लीजिए इसको अपने चारों तरफ। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इस सुरक्षा कवच के अंदर किसी की लोअर एनर्जी नहीं आ सकती है। मुझ पर परमात्मा की नजर है। अब इसी मौन में, बिल्कुल मौन में, साइलेंस में, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे हम उठेंगे। और जो भाई बहने डोम में बैठे हैं, आप बस 5-7 मिनट रुकिएगा सिर्फ, और सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगे, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी। जो पैसेज में बैठे हैं वो उठेंगे, और सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी, लेकिन बिल्कुल फरिश्तों की तरह मौन में, जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। हमारे चलने में भी एक वाइब्रेशन होती है। सत्रह तारीख मंगलवार, 17th, 18th, 19th, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। अगली 5 लाइनें उठेंगे। बिल्कुल साइलेंस में, एकदम साइलेंस में म्यूजिक चलता रहे। और साइलेंस में हम प्रसाद जरूर लेंगे। अगली 5 लाइनें उठेंगे, अगली 5 लाइनें उठेंगे। साइलेंस में, बिल्कुल मौन में, अगर कोई बोलता भी है तो हम इशारे से जवाब देंगे। ये मौन रखना आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, मुख पर संयम लाता है,
हमारे शब्दों की शक्ति बढ़ जाएगी, हमारा मुख हमारे अनुसार चलेगा, मौन रखेंगे। जो सभी इस तरफ जा रहे हैं इस तरफ से भी जा सकते हैं, यहाँ कम रश है, आप ये वाले दरवाजे भी यूज़ कर सकते हैं। सभी शांति से परमात्मा पिता की याद में इसी स्थिति को लेकर घर तक जाएंगे। आज किए हुए संकल्पों को मन के अंदर दोहराते रहें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, देने वाली देवता हूँ, इस देवतापन के संस्कार को याद करते हुए शांति से प्रस्थान करेंगे। हमारे मन की शांति चारों ओर फैलती रहेगी। जो भी आज सुना है उन बातों को मन ही मन दोहराते रहे। जो संकल्प किए हैं उन संकल्पों को भी याद करते रहे। ताकि घर पहुंचते ही हमारे वाइब्रेशंस, एनर्जी बढ़ती जाए, शुद्ध होती जाए।